हेलो एवरीवन, सो एज यू कैन सी कि हम लोग आज और एक एग्जीबिशन में आए हैं, ब्रॉडकास्ट इंडिया 2023। लास्ट ईयर हम लोग ने एक ब्लॉग अपलोड किया था जो काफ़ी लोगों को पसंद आया था। पता है क्यों? क्योंकि ये जो एग्जीबिशन है, हम जो सिर्फ फोटोग्राफर्स के एक्सपो देखते हैं, ठीक है, फोटोग्राफी एग्जीबिशन देखते हैं, ये जो है फिल्म मेकिंग की या फिल्म इंडस्ट्री का सबसे जो हाई एंड होगा, मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ करोड़ के जो बड़े बड़े कैमराज होते हैं, वो सब कुछ हाई एंड सिनेमाटोग्राफी, हाई एंड फिल्म मेकिंग, उसके बारे में यहाँ पे बात होगा, ब्रॉडकास्ट लेवल पे बात होगा। सो ये पूरा एग्जीबिशन आपको देखना से आपको ये जो है कि ये इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, जो ये पूरा इंडिया है, यहाँ पे फिल्म मेकिंग किस तरफ बढ़ रहा है, आपको इंडस्ट्री की सबसे हाई एंड चीज़ें देखने को मिलेगी। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। लेट्स गेट इन। सो अभी जो है हम लोग गोडोक्स के स्टॉल पे आए हैं। यहाँ पर जो है सिनेमा लाइट्स जो रहती है वो यहाँ पर उन्होंने लॉन्च की है। सो अभी तक आप देख रहे होंगे कि लोग फोटोग्राफी वगैरह में थे, पर अब जो है कि जो सिनेमा की लाइट्स है वो आप देख पाओगे। सो अभी जो है हमारे साथ सुनील जी है, ये गोडोक्स के रिप्रेजेंटेटिव है, और यहाँ पर जो है जो भी सारी लाइट्स है जो सिनेमा लेवल के लिए बनाई गई है उसके बारे में जानेंगे। तो आप थोड़ा सा मुझे वॉक थ्रू दीजिए कि कौन सी लाइट्स नई आई है और कौन सी बहुत ही अच्छी है जो सिनेमाटोग्राफी लोग करना चाहते हैं, फिल्म के लिए करना चाहते हैं, उस सब के लिए बताइए। हम स्टार्ट करते हैं पैनल से। सी, लाइट सेगमेंट काफ़ी सारे आप देखते हो, कंटिन्यूस लाइट में बहुत सारी लाइट्स हैं सर, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सही लाइट सिलेक्ट करनी है। लाइक अगर आप ये देखोगे तो एकदम पैनल्स आए हुए, अगर आपको जगह की कमी है तो आप ये पैनल भी यूज़ कर सकते हो। ये LD50R है, LD X50R है, ओके। तो इसके अंदर आप बैटरी ऑपरेटेड है और डायरेक्टली आप कनेक्शन भी लगा सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से, तो यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। इसके पैनल काफ़ी कॉम्पैक्ट है, अगर आपकी RGB भी इसके अंदर है। ये लोग कहाँ पर यूज़ करेंगे ये सारी जो पैनल लाइट्स होगी, जब जगह कम होगी और फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? अगर सपोज आप एक रूम में आप शूट कर रहे हो, हाँ, और दिस उस टाइम क्या है कि आप सॉफ्ट बॉक्स नहीं लगाना चाहते हो, तो ये सारा आपका काम हो जाएगा। लाइट नहीं लगाना चाहते तो LED पैनल आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इज LDX 100R और 50R, ये दोनों मॉडल अवेलेबल है। तो ये दोनों की लक्स वैल्यू डिफरेंस है और इसकी प्राइस में भी थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा, हाँ। आपके नीड के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो लाइट। थर्ड वन इज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइट लॉन्च हुई है, FH50 by। काफ़ी सारे पूरे हाथ में ही आ जाता है, पूरा कर्व भी है। काफ़ी सारे वेडिंग फोटोग्राफर आपको पता ही LC 500R यूज कर चुके हैं, काफ़ी कम्फर्टेबल है। ये एकदम काफ़ी कम्फर्टेबल है, प्लस ये आप मोल्ड भी हो पाता है, फोल्ड भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मतलब चेहरे के ऊपर अगर आपको कुछ डायरेक्शनल करना है वो इससे आप कर सकते हैं। ये VL 300 लाइट है, इसका एक पैनल है। अच्छा, दिस वन। सो बड़े बड़े जो फिल्म स्टूडियोज होते हैं वहाँ पे ये लोग ये सभी चीज़ें यूज कर सकते हैं। अगर आपको आउटडोर आपको कुछ लाइट चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो VL में आपको 3 सीरीज, VL 150, VL 200, VL 300 version 2, ये लेटेस्ट लाइट है। इसमें आप वी टाइप बैटरी लगा के आप इसको शूट कर सकते हो, ओके। यहाँ से पूरा ऑपरेशन सिस्टम है, ओके। और फिर ये वाली कौन सी लाइट्स है? ये सारे जो है वीडियो लाइट्स ही आ गए, ये सारा वीडियो लाइट्स और सब ये गोडोक्स है, और वो लाइट मॉन्स है। कौन सा? ये वाले लाइट मॉन्स है। लाइट मॉन्स है, लाइट मॉन्स में आपको पता ही है, लाइट मॉन्स में LA 150 भी है, LA 200 भी है। तो गोडोक्स और लाइट मॉन्स दो अलग कंपनियां हैं या गोडोक्स के अंदर लाइट मॉन्स है? लाइट मॉन्स सीरीज है। सीरीज, हाँ। तो लाइट मॉन्स की सीरीज का बेनिफिट ये है कि 200 अगर वॉट्स की लाइट है तो इक्विवेलेंट 300 तक आपको आउटपुट देती है। इसका लक्स वैल्यू काफ़ी अच्छा है, स्ट्रांग है, वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, ईजी टू कैरी है और बजट में है। तो फिर ये नया लाइट लॉन्च हुआ SZ, SZ 150R हमारा एक मॉडल है ऑलरेडी, उसमें 300 भी कंपनी ने लॉन्च किया है, इसे तो SZ 300R, ये RGB है, okay। और प्लस इसका है कि इसमें जूम ऑप्शन भी अवेलेबल है, अच्छा। तो भी लाइट में अगर आपको ये जूम बीम है, फोकसिंग आप थोड़ा
इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अच्छा, और ये सारे फिर वैसे ही पैनल्स रहेंगे, है ना? ये भी सारे पैनल्स में आ गए, है ना? आप देख पा रहे हो कि जो फिल्म और जिसको फिल्म्स बनानी है वो भी ये सारे पैनल्स यूज़ कर सकते हैं। जब आप पैनल्स यूज़ करते हो आपके लिए कॉम्पैक्ट हो जाता है, और वो जो आपने दिखाया है उससे इसका जो क्वालिटी है वो ज़्यादा हाई रहेगा। ये प्रो कैटेगरी में आते हैं, इसकी लक्स वैल्यू, इसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा है। ये सारे फ्लेक्सिबल सीरीज है, आप देखिए यहाँ पर इन्होंने फ्लेक्स 600x f/400x ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी है। यहाँ पर सारे जो है स्टिक लाइट्स भी रखी हुई है, देखिए। और यहाँ पर ये भी लॉन्च हुई है। अच्छा, ये IP65। पर आप मुझे बताया लोगों को पैनल यूज़ करना, फिर ये यहाँ पे कौन यूज़ करेगा, कैसे कैसे यूज़ करेंगे जो भी फिल्म में काम करते हैं? ये जो फ्लेक्सिबल होने के कारण आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अच्छा, अगर आप दो लाइट्स अगर आप एक दूसरे से कनेक्ट करके आपका जितना एरिया है अकॉर्डिंगली आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको बड़ा एरिया है, लाइक आप कार में भी आप कोई शूट करना चाहते हो, तो वेल्क्रो के साथ आप इसको मतलब गाड़ियों के अंदर भी आप चिपका सकते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट जगह पे यूज होगा। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये IP65 रेटिंग है। अच्छा, ओके। और इसमें तीन साइजेस है, ये मॉडल है F600x F200x और F400x, तीन साइजेस अवेलेबल है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे बल्ब भी रखे। ये लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये एम्बियंस लाइट है, लाइक अगर आपको कुछ क्रिएटिव शॉट करना है। और सब उस पीछे जो है मैंने वो रखा है, इंटरव्यू में ले रही हूँ, और पीछे जो है मैंने एक स्टैंड रखा है, लाइट स्टैंड रखा है, उसके अंदर जो है उसका नहीं, ये वाला बल्ब यूज़ कर लीजिए ताकि वो अच्छे से लिट कर सके, राइट? यस, वहाँ पे भी कर सकते हो। अगर इसमें देखिए आप देख सकते हो इसमें होल्डर, हाँ, आप लगा भी सकते हो कहीं कनेक्ट करके सीन क्रिएशन करने के लिए, वाइड सीन्स में ऊपर लगा ये कहाँ पे भी आप लगा सकते हो, रूम के अंदर लगा सकते हो। तो हमें जो है हाई क्वालिटी लाइट्स मिलेगी जब आप काम, पूरा कंट्रोल आपको मिल जाएगा इसमें। RGB लाइट है, फोन से कंट्रोल, फोन से भी जितने भी आप गोडॉक्स की लाइट देख रहे हो कंपैटिबल विद हमारे गोडॉक्स लाइटिंग ऐप है, हर चीज़ आप एप्लीकेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हो। और वो जो लाइट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप वो जो है वो लाइट्स है ना, MG12। हाँ, आप देखिए ऐसी जो पैटर्न्स है कोई सब क्रिएट कर पाता है ऐसी सारी लाइट्स। तो अगर आप ऐसे कोई फिल्म सेट्स हो और फिल्म के सेट के पीछे आपको ऐसा कुछ चाहिए, सिर्फ स्पॉट इफेक्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इसमें से क्रिएट कर सकते हो। और इसमें जो है अलग अलग पैटर्न्स भी आप डाल सकते हो, राइट? MG1200 बेसिकली ये जो है ना हाई एंड सिनेमा लाइट है, फिल्म मेकर्स के लिए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या तो रेंटल हाउस, प्रोडक्शन हाउस, वो सेगमेंट में ये लाइट यूज़ कर सकते हैं। MG1200 के बारे में बात की जाए तो MG1200 के अंदर आपको इसका प्लस पॉइंट ये है, USP ये है कि 100% आउटपुट दे रहा है बाई कलर होके। अगर कोई भी बाई कलर लाइट है तो उसका आउटपुट डे लाइट और बाई कलर में उसका सेम आउटपुट नहीं होता है। MG1200 100% आउटपुट दे रहा है। प्लस इसकी हीट डिसिपेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छी है, जो आप देख सकते हैं इसका वेंटिलेशन सिस्टम जो हीट का इशू नहीं करेगा। ये कंट्रोलर है, यहाँ से आप हर चीज़ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अभी देखिए कि ये जो सारी लाइट है ना, इसके जो एक्सेसरीज भी यहाँ पे रखी हुई है, अलग अलग फोकसिंग सिस्टम है। ये फोकसिंग सिस्टम है जो आपने यहाँ पे देखा, और इसकी जो सीरीज है वो आप यहाँ पे देख रहे हो। मतलब आप अलग अलग अटैचमेंट्स भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही अटैचमेंट यूज़ करना है। अगर गोडॉक्स माउंट की बात करें तो गोडॉक्स में दे रहा है 3 types ऑफ माउंट। नंबर 1 इज द गोडॉक्स माउंट, 2nd इज द बोवस माउंट, 3rd गोडॉक्स जी माउंट। अगर आप हाई सेगमेंट में जाते हो लाइक MG1200 तो वो गोडॉक्स जी माउंट है। अच्छा, ओके। उसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो अडेप्टर है उसके यहाँ पे सेंसर टेक्नोलॉजी है, हाँ, जो अटैचमेंट करती है कि आपकी लाइट, अगर आप इसको कनेक्ट करते हो, अगर लाइट चालू है आपकी और इसको डिसकनेक्ट करते हो तो लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ओके, तो ये सेंसर टेक्नोलॉजी है, सारे इसकी जितने भी अडेप्टर है आप ये उसमें सब में सेंसर टेक्नोलॉजी है। गोडॉक्स जी माउंट के बाद अगर आप गोडॉक्स बोवस माउंट, काफ़ी फैमिलियर माउंट है, तो ये सारे गोडॉक्स बोवस माउंट जितने भी है वो सारे एक्सेसरीज आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं।
सो अभी जो है यहाँ पे हम लोग गोडोस का माइक सेगमेंट भी देखना है जो इनका न्यूली लॉन्च है, नया इन्होंने शुरू किया है। वीरसो M1 M2 ये सारा यहाँ पे आप देख पाओगे। फिर जो है ये सारा जो है आप व्लॉगिंग वगैरह यूज़ करते हो या इंटरव्यूज लेते हो, पॉडकास्टिंग करते हो, ये सभी के लिए आप इसको काम कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे। तो ये भी आप यहाँ पे आकर टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। बाय द वे अभी जो है मैंने इन्हीं का एक माइक यूज़ किया, तो जो आप क्वालिटी देख रहे हो आप समझ पा रहे हो कैसा क्वालिटी आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ना लिलीपुट के मॉनिटर्स भी रखे हैं, तो जो भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमाटोग्राफी करते हैं उनको जो है अपना आउटपुट देखना हो तो ये आउटपुट के लिए अलग अलग जो है उन्होंने सिस्टम्स यहाँ पे रखे हैं। जो भी आपको पसंद आता है ये सारी चीज़ें आप ऐसे खरीद सकते हो। छोटे मॉनिटर्स भी है, बड़े मॉनिटर्स भी है। टेक्निकली तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पर आके खुद देखना चाहिए कि यू नो कौन से आपके लिए अच्छे है अगर आप उस लाइन में काम करते हो। अभी जो है यहाँ पे सामयांग के सिने लेंसेज भी पड़े हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने एक न्यूली लॉन्च किया है लेंस। ये जो लेंस है वो अपने आप में 4 लाख का लेंस है। आप देख पा रहे हो कि सारे जो है सिनेमा लेंसेज यहाँ पे रखे गए हैं। तो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारे मोजा के गिम्बल्स भी पड़े हैं, जो मिनी है या जो एयरक्रॉस है ये सारे यहाँ पे हैं। उसके बाद निसी ने अब जो है सिनेमा लेंसेज भी शुरू किए हैं। और इसके अंदर जो है आप देख पाओगे तो इसके अंदर भी आप जो है अपने फिल्टर्स जो निसी के रहते हैं वो आप इसके अंदर डाल भी सकते हो। ऐसे भी उन्होंने लेंसेज यहाँ पे बनाए हैं। ये सारे उनके फिल्टर्स हैं जो सिनेमाटोग्राफी के वक्त काफ़ी काम में आ जाते हैं। और ये आप देख रहे हो प्रो ग्रेड के कार्ड्स होते हैं, काफ़ी सारे जो कैमराज रहते हैं उसके लिए खास आपको जो है हाई इंटेंसिटी का कार्ड चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा। फिर टिल्टा का जो रिग है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है एक्सप्लोरर केसेस करके एक ब्रांड यहाँ पे आई है। ये आप देखो बहुत ही रगेड और काफ़ी वाटरप्रूफ है, तो यहाँ पे सारे कैमरा लेंसेज वगैरह रख सकते हो। सेकोनिक के ब्रांड्स के यहाँ पे लाइट मीटर, कलर मीटर यहाँ पे सब कुछ पड़ा है। आप देखिए यहाँ पे ये जो है खास यूटिलाइजेशन होता है जब आपको जो है काफ़ी अच्छा खासा कस्टमाइज वाइट बैलेंस करना है, तब डेटा कलर का यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इन्होंने एक फैन भी रखा है और यहाँ पे इनके पास स्मोक मशीन भी है। आप प्लीज हमें बताइए कि ये कैसे फंक्शन करेगा, क्रिएटिव प्रोसेसेस हमारे कैसे बढ़ जाएंगे। बेसिकली हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स हैं आज, ये स्मोक निंजा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड है जो स्मोक मशीन बनाते हैं फॉर फोटोग्राफी, आउटडोर शूट्स, इंडोर शूट्स, प्रोडक्ट फोटोग्राफी किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। तो पहले मैं आपको स्मोक मशीन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर दो बैटरीज पड़ती हैं और ये दो बैटरी के साथ आप यूज कर सकते हो 5 घंटे कॉन्टिन्यूसली। पांच घंटे इसमें से धुआं आता ही रहेगा, 5 घंटे इसका बैटरी बैकअप है। अच्छा, बैटरी बैकअप। धुआं के लिए वी हैव स्मोक लिक्विड। अच्छा, तो स्मोक लिक्विड जो रेगुलर स्मोक शॉप में, हुक्का के शॉप में मिल जाता है, इसमें आपने डाला, फुल टैंक करने का कॉस्ट 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में आएगा। ठीक है। और एक बार फुल टैंक किया तो आधा घंटा कंटिन्यूअसली स्मोक निकाल सकते हो। बट अच्छा। हम लोग कंटिन्यूअसली यूज नहीं कर रहे हैं, कभी कभी कुछ शूट के लिए करना है, तो ऑलमोस्ट मेरा एक इवेंट जो है 2-3 टैंक फुल में निकल जाएगा। तो इट्स नॉट, कहां पर यूज करेंगे ये? वेडिंग्स में, प्री वेडिंग्स में, प्रोडक्ट शूट में, कमर्शियल्स में। कोई मुझे ज्वेलरी का शूट करना है तो ज्वेलरी रखी है, उसके पीछे स्मोक का इफेक्ट देना है। कोक का कैन है, उसके पीछे से कुछ इफेक्ट देना है। कुछ भी डिफरेंट आपको क्रिएटिव शॉट चाहिए तो उसके लिए आप कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे सामने मॉडल है, मैंने इनका कुछ शूट करना है, कुछ आउटडोर शूट में कर रहा हूँ, मैंने इसमें से ये पाइप को लिया और इसके अंदर से मैंने स्मोक जो है इनके बालों में ऐड कर दिया। तो ये मतलब कुछ डैमेज वैमेज नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, दिस इज ऑर्गेनिक वन। अच्छा अच्छा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये स्मोक लिक्विड आपको घर में बना सकते हैं। अच्छा अच्छा, दिस इज वेरी ऑर्गेनिक। मैं देखो स्मोक स्टे कर रही है वहाँ पे, ठीक है, निकल वो हिल जाता है। हाँ, वो बेसिकली कह रहे हैं यहाँ पे अभी काफी एग्जॉस्ट, काफी एसी लगे हुए हैं, हाँ। उसकी वजह से ये थोड़ा सा निकल रहा है। बट नॉर्मली किसी ऐसे एरिया में आप करो जहाँ पे ज्यादा हवा नहीं है, क्लोज रूम में करोगे तो वहाँ पे ये स्मोक स्टे करती है। अभी भी देखो स्मोक उनके बालों में है जो वो निकल रही है। और अगर मैं इस फैन को ब्लो करता हूँ तो आपको पता लगेगा कि स्मोक कैसे निकल रही है। देखो आप, तो यूजुअली हम लोग ये फैन यूज करते हैं ताकि लड़कियां थोड़ी सी और सुंदर लगे, या जो कपड़े हैं वो और। सो बेसिकली ये फैन का मेन पर्पस क्या है, अभी आउटडोर के अंदर मुझे कोई प्री वेडिंग शूट करना है, आई एम जस्ट शूटिंग अ लाइक म्यूजिक वीडियो, फैशन शूट, कुछ भी करना है, उस टाइम पे मुझे बालों को ब्लो करना है फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ड्रेस को उड़ाना है, लोग हेयर ड्रायर ऐसा कुछ यूज करते हैं। बट हेयर ड्रायर में क्या है ना कि आपको बैटरी ऑप्शन नहीं मिलता, हाई पावर का रहता है। ये स्पेशली मेड फॉर आउटडोर पर्पस, जहाँ पे कॉम्पैक्ट एंड बैटरी वाला सोल्यूशन है। सेकेंड थिंग इसके अंदर क्या है कि आपने आजकल मूवीज में देखा होगा वो कुछ पत्ते वत्ते उड़ाते हैं, ठीक है, उस तरह के कुछ इफेक्ट्स क्रिएट करने हैं, right. या फिर इफ यू वांट कि जैसे मान लो पानी है तो पानी के ऊपर कुछ वेव्स वाला इफेक्ट क्रिएट करना है हवा से, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। आउटडोर में यूज होगा इसको, खाली आपने फैन को पावर दिया और ये फुल ब्लोअर के साथ कंटीन्यूअसली कितना टाइम तक चलेगा? ये कंटीन्यूअस चलेगा 3 घंटे और 30 मिनट, मतलब 3.5 घंटे का फुल पावर पे बैकअप मिलेगा। 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स फुल पावर बैकअप ऑन फुल स्पीड।
तो ये जो है ये तो हम लोग वेडिंग्स में पता पोर्ट्रेट के बीच में से हम लोग ये सब हाँ निकाल सकते हैं, पोर्ट्रेट के बीच में आप यूज कर सकते हो और आउटडोर में यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने किसी जगह पे अगर मैंने इसको निकाल दिया तो मैं थोड़ा सा और इसको जो है यूज कर सकता हूँ, इसके साथ दूंगा थोड़ा हेज इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, धुंध का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा साथ में कर, क्योंकि ये उसको टाइनी पार्टिकल्स में थोड़ा तोड़ देता है। सो यू कैन क्रिएट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वन इज दैट वी हैव गॉट अ प्रोफेशनल किट जिसमें आप इसके अंदर बहुत सारे अटैचमेंट्स आपको मिल जाती है, तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट मल्टीपल थिंग्स। आपको ग्लास है, आप कोई बार में शूट कर रहे हो वहाँ पे विस्की का शॉट लिया या लिकर का शॉट लिया, ग्लास के अंदर फॉग फिल करनी है ताकि उसमें निकलता हुआ दिखे, उसके लिए अटैचमेंट अलग से है, तो वो पतला सा अटैचमेंट है, बहुत पतला सा अटैचमेंट है। सेकंड थिंग इज पिज्जा का शूट कर रहे हो तो पिज्जा से कुछ आपको धुआं निकलता है, क्या होता है ना आप शूट कर रहे हो हाँ गर्म दिखे वो, तो मल्टीपल एप्लीकेशन है, यू हैव टू जस्ट थिंक कि आपको कहाँ पे कैसे शूट करना है। द कॉस्ट ऑफ दिस मशीन रेगुलरली इन द इंटरनेशनल मार्केट, अभी इंडिया से बाहर जो है it's almost $400 which is almost 35,000 rupees. In India we are launching at 28,000 but in the exhibition we are giving in 19,500 so 19,500 rupees but aap kisi bhi camera store se exhibition ke dauran booking kara sakte hain, koi bhi India mein koi bhi camera store, any camera store you can like buy from there. This one is the regular price is 14,000 but in the exhibition we are doing it 10,000 so aapko 4,000 ka discount mil jata hai. अभी आप देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहाँ पे ज्यून की लाइट्स है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी लाइट वेट भी है, कॉम्पैक्ट भी है और इसका जो इंटेंसिटी है और वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 100 वॉट 60 वॉट इतना सारा पावर है इसमें और इतना छोटा है। आपको लगेगा इसके जो अटैचमेंट्स है, आप देखिए इसके जो अटैचमेंट्स हैं ये सारे हैं, मतलब आप जो है इतने बड़े बड़े जो सॉफ्ट बॉक्सेस रहते हैं वो सब कुछ इसके ऊपर लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही लगाना है, राइट? तो ये आप इसके ऊपर अटैच कर सकते हो और साथ ही साथ जो है आप अगर देखोगे यहाँ पे जो है डिम कंट्रोलर ये सारी चीज़ें दी है, बाई वगैरह सब कुछ दिया है, ऐसे ही ये लाइट भी है। सो आप देख पा रहे हो कितनी कॉम्पैक्ट लाइट्स इन्होंने क्रिएट की है, इन्होंने जो है एक स्टिक लाइट भी लॉन्च किए हैं, इसका पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे इन्होंने जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्लेस की है। देखो ये कितना छोटा सा शो है, ऑक्टा बॉक्स रखा है, एकदम मिनी ऑक्टा बॉक्स रखा है, प्रोडक्ट शूट वगैरह के लिए तो बहुत ही अच्छा पड़ेगा। एज यू कैन सी कितनी छोटी छोटी लाइट्स है पर इसकी पावर जो है, जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और ऊपर से आप बहुत सारी चीज़ें इस पर अटैच भी कर सकते हो, बड़ी बड़ी चीज़ें एक छोटी सी लाइट में अटैच कर सकते हो। तो प्री वेडिंग शूट में जाना हो या वेडिंग के शूट में जाना हो, पोर्ट्रेट लेते वक्त कितना अच्छा पड़ेगा हम लोग, जब आप यहाँ पे BI के स्टॉल पर आओगे तो आपको पता चलेगा यही बात। सो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे वैकॉम का जो टैबलेट रहता है ना उसके ऊपर उन्होंने रखा है, अलग अलग जो टैबलेट्स रहते हैं, देखिए यहाँ पे ये सारा जो है डिस्प्ले में आया हुआ है। जो भी लोग जो है एडिटिंग का काम करते हैं या जो भी लोग जो है ड्रॉ करना चाहते हैं उन सब के लिए ये टैबलेट्स रहते हैं। देखो यहाँ पे सारा डिस्प्ले में रखा हुआ है उनका टैबलेट का। अभी जो है ये क्लार्क वायर एंड केबल, जो भी लोग केबल ऑपरेटिंग और वो सब में रहता है, जो केबल का चाहिए रहता है उसके लिए। यहाँ पे मोबियस का जो है स्टॉल है, काफ़ी लोग जो है बैग्स यूज़ करते हैं इस सब के लिए है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो है बैग्स रखी गई है, देखिए है ना, अलग अलग साइजेस वगैरह यहाँ पे रहेगा, अलग अलग कंपार्टमेंट्स यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे जो है इन्होंने बहुत सारे गिम्बल्स रखे हैं, एज यू कैन सी। आपका अभी सबसे लेटेस्ट गिम्बल कौन सा आया है? विबल 3S और क्रेन 4। तो विबल 3S का और क्रेन 4 में क्या नया फीचर है जो उसके पहले के वर्जन में नहीं था? कौन सा वर्जन इसमें ज़्यादा, मतलब अगर आपने नया वर्जन निकाला है तो इसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो ज़्यादा एक्स्ट्रा है? पार्कअप करके यहाँ पे एक ब्रांड है जो रियल टाइम फैन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, मतलब बहुत सारे लोग नहीं ब्रॉडकास्ट लेवल पे लिखते हैं कि यू नो उनका क्या है, क्या बोलना है, ये सारे चीज़ों के लिए यहाँ पे उन्होंने जो है स्टॉल लगाया है। तो ये फिर कितने का पड़ेगा? ये 53 का एक बेस्ट सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, जो आपको एक रेगुलर मार्केट प्राइस है, बट अभी ये मार्केट में रिटेल होता है अप्रॉक्सीमेटली 50-51,000 में एक रेगुलर प्राइस मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है फॉर अ सिनेमा गाय जो सिनेमा कैमरा यूज़ कर रहा है। एंड ये वाला जो है एक इसका जो रेगुलर मार्केट प्राइस है वो 26-27 तक है अप्रॉक्सीमेटली, जो हमारे मार्केट में सेल होता है। नाइस, वेरी नाइस। मैम ये न्यू मॉडल है VIBIL 3S, ज्यून का लेटेस्ट लॉन्च है। इसमें सबसे बड़ा एडिशन ये है कि नाउ ज्यून इज हैविंग दी वर्टिकल माउंटिंग इनबिल्ट, सो वर्टिकल माउंटिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको पता है क्लाइंट्स का सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही आता है कि कंटेंट क्रिएशन के लिए वर्टिकल माउंटिंग, सो यू डोंट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ एल प्लेट, उस पे इन्वेस्ट नहीं करना, बैलेंसिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, यही से हो जाता है, राइट? उसके बाद गिम्बल के अंदर आपको मैं एक बार बात करते करते दिखाई रहा हूँ हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल शिफ्ट करके, बट सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, 4 kg की पेलोड में 29,000 रुपीज खर्च के कस्टमर को ब्लूटूथ कंट्रोल मिल रहा है सारे कैमराज के लिए, वर्टिकल माउंटिंग इनबिल्ट मिल रही है, एंड कह सकते हैं कि ज्यून ने बहुत अच्छा कमबैक करा है इसमें गिम्बल इंडस्ट्री में, बिकॉज
एक जो प्राइस सेगमेंट होता है 29,000 में, तो उसमें बहुत सारे यूजर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि 4KG का पेलोड मिलेगा। 4KG का पेलोड मतलब आप कौन से कैमरा लगा? 4KG का पेलोड मैं मानता हूँ कि इसमें आप मिररलेस में जितने भी लेंसेज आते हैं 2470 2.8 की अगर मैं बात करूँ, जी मास्टर का 1635, जी मास्टर का 2.8 वाला, सिग्मा के सेम कैटेगरी, देन 85mm जी मास्टर 1.4, सैमसंग का 85 1.4, जी मास्टर का 85 1.4, मेरे को ये सारे लेंसेज जो मेरे को मालूम है वीडियो के लिए सबसे बड़े हैं वो इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों कंपैटिबल है। प्लस मैम एक बार आप डमी बॉडी दिखाना प्लीज। तो अगर आप हमारी ये डमी बॉडी देखिए जो हमने यूज कर रहे हैं इसमें V3S में मैं यूज कर रहा हूँ, और मैंने वर्टिकल लगा रखी थी, और इसका वेट देख सकते हो और यूजर्स को बता सकते हो काफी हैवी है और कम्प्लीटली मेटल बिल्ट की है। एंड इसमें आप देख सकते हो मैंने अभी आपसे बात करते करती बस मैं बात ही कर रहा था आपसे, और मैंने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल गिम्बल पूरा बैलेंस कर दिया। एक्चुअली मैंने बैलेंस करा ही नहीं है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट वर्टिकल माउंटिंग है। देन गिम्बल को मैं एक बार ऑन करके आपको दिखाता हूँ, गिम्बल के अंदर मेरे को इनबिल्ट लाइट मिलती है जो कि बाई कलर है। एंड इसका मैं यहाँ से केल्विन भी सेट कर सकता हूँ गिम्बल के अंदर, यहाँ पे लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर छोटा जैसे एक छोटी बेबी लाइट यूज करते हैं तो कह सकते हैं कि गिम्बल के अंदर इनबिल्ट बेबी लाइट है। इंडोर में लो लाइट में, लो अपर्चर में, फेस पे अगर शैडोज की प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हो, और इसमें अगर वर्ड यूज करना चाहिए, सभी को ये दिक्कत आती है क्योंकि लाइट ब्लॉक होती है क्लोजअप शॉट्स में, तो उसमें क्या है लाइट में यूज कर सकता हूँ। देन गिम्बल के अंदर एक बहुत ही कम्फर्टेबल रिस्ट पैड आता है जो कि मेरे हाथ के साइज के आपसे एडजस्टेबल है, तो ये बहुत एक अच्छा एडिशन है विबल 3S के अंदर। देन एक जो चीज थी काफी सालों से गिम्बल्स के अंदर आती थी वो होती थी ये स्लिंग हैंडल, बट इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जब हम लो एंगल के लिए यूज करते हैं दैट इज कंफर्टेबल, बट जब आई लेवल पे यूज करते हैं तो प्रॉब्लम इज ये बॉडी पे टच करता है। देन इसकी हाइट मेरे को थोड़ी सी कम करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एडजस्टेबल हो गया। देन हाथ के वेट को बेसिकली वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इक्वली बिटवीन टू हैंड्स, तो दिस इज नाउ मिनी डुअल हैंडल, अलग-अलग हिसाब से आप सो आप स्विच कर सकते हो जो कि और कोई ब्रांड आपको प्रोवाइड नहीं करता है। 2 ईयर्स की हमारी वारंटी है, मुंबई में भी वी हैव अ सर्विस सेंटर, दिल्ली में, इंडिया में एक्चुअली 12 सर्विस सेंटर है। दिस इज द ओनली ब्रांड व्हिच इज प्रोवाइडिंग 2 ईयर्स ऑफ वारंटी, एंड प्राइस टैग जो है बहुत अट्रैक्टिव है, आपको मिलती है 29,000 में पूरा गिम्बल है, 35,000 में पूरा पैकेज है। पैकेज मीन्स यू गेट द रिस्ट सपोर्ट, यू गेट द हैंडल, एंड इसका एक बैक पैक है। अच्छा, एक फीचर मैं बस बताना भूल गया, गिम्बल के अंदर आपको BLE शटर मींस ब्लूटूथ शटर कंट्रोल है। अच्छा अच्छा, एंड बाकी ब्रांड्स में आपको सिर्फ शटर का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर सॉफ्ट टच फोकस है एंड फुल प्रेस रिकॉर्डिंग है। तो शटर के ऑप्शन में आपको रिकॉर्डिंग के अलावा क्या मिलेगा? फोकसिंग। अच्छा, फोकसिंग, सॉफ्ट टच फोकस करते हो आप यहाँ से, जैसे आप बहुत लोगों को देखा होगा यहाँ पे पहले टच करते हैं देन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, तो अब आपको हाथ ऊपर ले जाके फ्रेम हिलाने की जरूरत ही नहीं है, राइट? So this is the new edition V-Bill 3S. और आपका दूसरा कौन सा? Crane 4 मैम, इसी के साथ एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है, बट ये जो है ये कम्प्लीटली सिनेमा लाइन के लिए कह सकते हैं, बट ये टिपिकल सिनेमा लाइन के लिए कैमरा गिम्बल भी नहीं है। काफी लोग होते हैं जो वेडिंग लाइन से बिलोंग करते हैं, प्री वेडिंग शूट्स करते हैं, हाई एंड शूट्स करते हैं, जिनको लेकिन ऊपर सपोज R5C लगाना कैनन का, और वो वेडिंग का काम भी करते हैं, सिनेमा का भी करते हैं, बट उनको गिम्बल में चूज करना पड़ता था यार, तो उनको चूज करना पड़ता था कि या तो वो मिररलेस के लिए DSLR के लिए कैमरा गिम्बल ले, या फिर उनको बिल्कुल ही बड़ा गिम्बल लेना पड़ता था। ये फर्स्ट गिम्बल है जो डिजाइन लैंग्वेज इसकी एक मिररलेस और DSLR गिम्बल वाली है, बट जो इसका आप देख सकते हैं बहुत छोटा साइज है, बट जो इसका पेलोड है 6 kg है, तो 6 kg का पेलोड R3 वगैरह सब आराम से लगा। R3 इज वेरी लाइटवेट फॉर दिस गिम्बल, 1DX इज वेरी लाइटवेट, R5C भी इसके लिए लाइटवेट है, इसमें हम रेड कोमोडो तक लगा सकते हो। यस, एंड ये सारे आपके जो CP2 लेंसेज होते हैं, CP3 CP2 लेंसेज सपोर्ट करता है, C100 C200 FX6 के लिए अगर आप एक हैंडल्ड गिम्बल, ना कि आप एक बहुत भारी सेटअप चाहते हो, आप एक हैंडल गिम्बल लेना चाहते हो, काफी अच्छा एडिशन है, पूरा लेके जाना से अच्छा तो ये काफी अच्छा है। प्लस एमएचआर लेवल के लिए इसमें एक बहुत अच्छी इनबिल्ट 10 वॉट्स की लाइट है, पिछले वाले गिम्बल से V-Bill 3S से डबल पावर की लाइट है, एंड ये बाई कलर है अगेन उसी लाइट की तरह, एंड इसके अंदर यू कैन ऐड अ डिफ्यूजर आल्सो, देन डिफ्यूजिंग आप देते हो या अलग से? डिफ्यूजर साथ में आता है। तो उसके बाद मैम इसके अंदर भी वर्टिकल माउंटिंग है, इसके अंदर भी ब्लूटूथ कंट्रोल है, जैसे कि सेम टच फोकस है, एंड यहीं पे आप हार्ड प्रेस करके रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फीचर्स काफ़ी सिमिलर है, बट मेन बात है कि गिम्बल जो है बहुत ज़्यादा ये लाइट वेट है, प्लस 6 kg का पेलोड है, तो ये जो पावर टू वेट रेशियो है इसका अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, कि इसका जो वेट है ओनली 1.3 kg है, बट पेलोड 6 kg है, एंड जो हमने इससे पहले गिम्बल देखा था इसका वेट ओनली 900 grams है, एंड जो पेलोड है वो 4 kg है, तो पावर टू वेट रेशियो अगर कुछ तो कैमरा इतना है और गिम्बल राइट राइट, तो जो पावर कितनी है खुद का वेट कितना है वो रेशियो हमारे दोनों गिम्बल्स की बेस्ट है, आप किसी भी ब्रांड से कंपेयर कर सकते हो। तो अभी जो है हम लोग को यहाँ पे काफी सारे स्टॉल्स है छोटे मोटे, पर हमारे जो पर्पस के लिए काफी सारे जगह पे हम जो देखते हैं, देखिए यहाँ पे हॉलीलैंड का स्टॉल है। अभी यहाँ पे जो है आपको पता होगा कि हॉलीलैंड जो है जो आपको
ऑनलाइन मिक्सिंग करना होता है, तो इसके ऊपर जो है आपको आपके कैमरा के ऊपर जो आपको लगाना है, अभी हम भी हॉलीलैंड का माइक यूज़ कर रहे हैं, तो माइक्स रहेंगे, टॉक बैक रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको मिलेगी। एक बार इस पूरे स्टॉल को थोड़ा विजिट करेंगे और देखेंगे कि इनके पास क्या क्या नया नया आया है। बट दी ऑडियो एट दैट टाइम वी कैन यस। अभी जो है हमारे साथ टेरी है, ये जो है आपको इंट्रोड्यूस करेंगे उनके पास हॉलीलैंड के कौन से नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं जो खास हमारे काम के हैं और कितने रुपए के हैं और क्या क्या पर्पस है। Yes, so yes, you mentioned your channel is developing wedding photography and wedding videography, right? Yes. So actually, we have just launched our new product, Hollyland Lux Max. Lux Max करके जो है उनका नया माइक आया है. Yes. So this is the most upgraded version of the microphone of Lux. Lux M1, right? ये जो हम लोग use कर रहे हैं वो Lux M1 है. Yes. और ये Lux M Max है. Yes. So in Lux Max, the receiver, we have a screen, OLED screen. Okay. And we have touch screen. So ये पूरा का पूरा जो है touch screen है. Touch screen. So when we press menu also, you have so many options to use it. So आप जो है इसके अंदर internal recording कर सकते हो, जो भी आप कहते हो, अभी तक जो है ये directly camera में होता था, अभी जो है internal recording हो जाएगी. It has internal recording for 8 GB for 14 hours. Okay, 8 GB and 14 hours. And just press the recording, or you can control recording directly from here. Okay. If it's connected, but if it's not connected, you just press this one. So easy to use. And then, I think for wedding you do videography for the theme, right? Yes. How many people usually you do? There are 2 cinematographers and 2 traditional videographers. So total 4, right? 4 videographers. So I think the most important product is how you can communicate with them directly. Okay. I think so. This is the most the newest technology. Solidcom. Hollyland Solidcom C1. Okay. Here you try it. Okay. So we can communicate easily directly. Hello. Yeah, hello. I can hear you well. Ah. Yeah, so we can communicate easily with this device up to 350 meters. Abhi aap, can you speak something? Yes. Hello. Can you just take it up? Yes. So if I take it up, no voice. So आपने देखा होगा ऑडियो रिकॉर्ड हुआ रहेगा. अब जो है चार जन, how many people can talk together? It's 8. 8 people. Yes, 8. So, 8 जन जो है मैक्सिमम इनका है. अगर आप एक साथ एक इवेंट शूट कर रहे हो और एक दूसरे को अगर आपको बातचीत करनी है, आपको डायरेक्टली ये लगाना है, नीचे करते हो तो बातचीत शुरू हो जाती है, ऊपर करते हो तो आपको किसी का आवाज नहीं आएगा. हिसाब से आप काम कर सकते हो. Yeah, so if you have like not so many people, like wedding, like you have to do something fast and something small to carry, this is the right product for you, because so easy to use and you don't need so many people, right? Right, for the shooting, very simple. Yes, we have also the C1 Pro, the noise cancellation. Okay. But sadly it's not here, the product yet. Okay, but what does it do? So the Solidcom C1 Pro, it has the noise cancellation feature in here. Like, so while talking to each other, there is a lot of noise. Yes. In that particular event, yes. You simply have to press on noise cancellation. Yes. So there is nothing happening. Yes. Okay. So yeah, basically the noise cancellation is like they kind of receive the audio frequency from other human's voice. Outside of human voice, they cut it. They just focus on the human voice. Yes. You can translate. हाँ, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई संगीत में शूट कर रहे हो और बहुत सारा आवाज आ रहा है, तो आप जब बोल रहे हो तो सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा, तो आपको बस एक नॉइज कैंसिलेशन का बटन दबाना है ताकि आप जो भी बोल रहे हो डायरेक्टली उसको सुनाई दे और ये जो सारा आवाज आ रहा है वो ना आए। तो अगर हम लोग बात करें ट्रांसमिशन डिवाइसेस की, तो हॉलीलैंड वॉज नोन फॉर ट्रांसमिशन डिवाइसेस। ये लोग बनाते ट्रांसमिशन डिवाइसेस है, जिसका मतलब है कि हम लोग एक ट्रांसमीटर कैमरा के ऊपर लगाते हैं, उसका रिसीवर आपको वायरलेस फीड दे रहा है इधर। इस टाइम पे ये एक 4K वायरलेस फीड दे रहा है फ्रॉम अ 4K कैमरा। तो अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं, वेडिंग कर रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें लोग कहते हैं हमें डिस्प्ले पे चाहिए, तो अब तारे बिछाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ये ट्रांसमिशन डिवाइसेस काम आते हैं। तो ये वायरलेस यूनिट की तरह काम करता है कोई भी कैमरा के ऊपर। बिल्कुल, किसी भी कैमरा जिसमें HDMI या फिर SDI का कनेक्टिविटी हो उस पर आराम से काम करता है। अगर हम लोग वहाँ पे मिक्सर ऑपरेटिंग के लिए डिवाइस रखते हैं तो ये सारे आउट वहाँ पे हमको आराम से मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हर रिसीवर के ऊपर आपका एक HDMI और एक SDI आउट मिलता है जो आपके मिक्सर में जा सकता है। एंड कुछ कनेक्शन ऐसे भी हैं जिसमें आपको 4 ट्रांसमीटर्स मिल जाते हैं। चार कैमरा का कॉम्पैक्ट है और इतना बड़ा है, इसमें कौन सा इसका है? इसका 500 मीटर का रेंज है। अच्छा, और उसका आपका क्या कहते हैं 150 मीटर का रेंज। 150 मीटर का रेंज।
तो मतलब अगर आप बहुत बड़े बड़े ग्राउंड में जैसे कि स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह में होते हो तब आपको ये काम में आता है, बाकी तो आप जो है वेडिंग वगैरह में वेडिंग वगैरह के लिए तो हम लोग जो यूज करते हैं बिकॉज़ आई एम अ यूजर फर्स्ट, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से आपको चलना है कि कौन सा डिस्टेंस आपके लिए एंड क्वालिटी। वेडिंग में हम इमेजिन कीजिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाना पसंद करते हैं आज के डेट में लोग, तुमको 4K चाहिए तब वो काम आता है, ये 1080p करता है। इसलिए 4K आज की जो डिमांड की वजह से कंपनी ने 4K ट्रांसमीटर बनाया है, हेंस वो 4K ही लाइक इनपुट लेके आउटपुट देते हैं। सो अभी जो है हम लोग सिनोलॉजी के स्टॉल पे आए हैं, यहाँ पे जो है इनका नाम रसल जी है और ये जो है हमें वॉक थ्रू करेंगे कि इनकी ये ब्रांड क्या करती है, क्या काम की है और हमारे काम का क्या है। सो प्लीज एक्सप्लेन अस दैट व्हाट योर ब्रांड एग्जैक्टली व्हाट यू पीपल डू एंड या सो आई एम रसल चेन, आई एम सेल्स मैनेजर फॉर इंडिया रीजन। So Synergy is a storage solution provider. We are focusing on SMB, SME, and we are focused on NAS segment, NAS, NAS segment. Huh. So in this segment, we take more than 50% of market share in India. Okay. So we see significant growth from India, especially from entertainment industry. So that's the reason why we are here in Broadcast India. So for example, VFX, visual effect, they are doing Lego movies, they are doing Bollywood visual effect. All the companies, famous companies, are using Synergy NAS now. So how I'll can translate that? So, बहुत सारी जो बड़ी-बड़ी कंपनियां होती हैं, जो VFX करती हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं, एड्स करती हैं, ये ऐसा कह रहे हैं कि 50% जो मार्केट है इंडिया का, वो इन्हीं के ब्रांड का है। Yeah. So how Synergy help the business? First, we can be the storage. So they have terabyte of data, they have petabyte of data. They can easily to store on our NAS by license free. Our operation called DSM. Second, they can online editing, which means they don't need to download and upload the files. They can edit the file, edit the photos, edit the videos on NAS directly. We have high connectivity, 10 gigabyte networking, 25 gigabyte networking, also all flash SSD. तो ये ऐसा कह रहे हैं कि इनका काम है जैसे कि अगर आप जो है डेटा स्टोरेज करते हो, ठीक है, हम जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं टेराबाइट और पीटाबाइट के लेवल के ऊपर, मतलब इतना सारा स्टोरेज जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यही नहीं, जैसे ही आप जब काम करते हो, अगर आप एक सपोज एक फाइल सेव करते हो तो आपको है फाइल्स अलग जगह पे सेव करनी पड़ती है, पर जब आप इनका स्टोरेज यूज करते हो तो आप इसी के अंदर काम कर सकते हो, आपको अलग से स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है। Yes, and also for users, they need to share big files to external users like client. They cannot share by email. So we have Presto File Server. We have our own protocol exclusive called CETA. So CETA protocol can help you share the files securely to your external users. Is there any limitation to it, or we have to buy any purchase, or once you buy this, that is included? Okay, so we have a free trial limitation capacity. If you want to use more, you need to pay for license. But for free trial, we have a license for our users directly. Okay. So, ये ऐसा कह रहे हैं कि for example, आज आप जो है यहाँ पे operate करते हो, पर कोई इंसान को आपको आपको share करना है, आप कैसे करोगे? Drive link से करोगे या mail पे करोगे? पर अगर आपकी file बहुत बड़ी है, तो बड़ा problem हो जाएगा। पर इनका एक अपना ही एक server है, जो आप खरीद भी सकते हो, और कुछ चीजें इसमें included भी रहेगी, तो directly जो है आप इंसान को share कर सकते हो, जो इनका C type. So after project are done, the media industry need to backup their data and archive their data. So we can backup PC directly, we can backup Mac OS directly to the NAS, license free. So you don't need to buy any software to backup your data. And you can archive your data for long term. Today I'm working on a project where there is a lot of things that I've already completed. I can save it on the server. Yes. And I don't have to use the space internally. Yes. So it can be staying for long term. And you, if you want to record, how long can I save it? Lifetime? Lifetime. Depends on the retention policy you set. Okay. Yeah. So ये ऐसा कह रहे हैं कि for example आज जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, आज का काम जो है आपका हो गया, आपका वो पूरा का पूरा जो डेटा है वो आप सेव करोगे, इसमें सेव करोगे इंटरनली, राइट? एक टाइम के बाद हम इंटरनली डिलीट करना चाहते हैं, पर रखना जरूर चाहते हैं, तो आप इनका सर्वर यूज कर सकते हो, सर्वर के ऊपर वो लाइफ टाइम के लिए वहीं पे सेव हो जाएगा, और आप चाहो जब उसको एक्सेस भी कर सकते हो और उसको रोलिंग बेसिस पे यूज कर सकते हो। या सो फोर सॉल्यूशंस आई शेयर, अ स्टोरेज एंड आल्सो ऑनलाइन एडिटिंग एंड आल्सो फाइल शेयरिंग फॉर बिग मैसिव फाइल एंड आल्सो बैकअप एंड आर्काइव। ओके, सो फॉर आवर गोल वी आर एम टू बिकम द बिगेस्ट private cloud provider in the next 5 years globally. Yes.
So, ये ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दो फीचर दे रहे हैं, हम चारों फीचर दे रहे हैं। जैसे अगर आप ऑनलाइन एडिटिंग करते हो तब के लिए, अगर आपको फाइल शेयर करनी हो तब के लिए, या फिर जो है आपको इनका सर्वर यूज करना है पोस्ट आपका काम करने से लिए, या फिर आपको जो है पहले तो इनके ऊपर जो है पीटाबाइट टेराबाइट लेवल का इतना सारा सेव करने के लिए। 5 साल के अंदर ये ऐसा चाहते हैं कि पूरी जो मार्केट है वो कवर कर सके और ऐसा सारा जितना भी स्टोरेज है वो सारा ये इंक्रीज कर सके पूरी मार्केट जो है। व्हाट इज योर रिस्पांस इन द इंडियन मार्केट, व्हाट डू यू थिंक? Okay, so we see big growth from Indian market. For example, last year in 2022, we see more than 50% for YOY, only in India. In India. Yeah, and also we see more than, in this segment, we secure more market share in that segment, specifically for SMB and SME. So we are ready to invest more in India. For example, we have our experience center now in Mumbai, and we are having the second one in Bangalore next year. So because we can cater in the business needs from media industry, so we can provide easy to use NAS solutions to them. So we are looking forward to achieving more, specifically for media industry. I have one thing that you might be traveling the entire globe. When I talk about the Indian market, yes, we are very price sensitive. Yes, Indian market is the most price sensitive market that you find globally. Yes, how do you cater that? Like, how do you reach out? Do you really think that whatever you provide is completely like price reasonably, you know, reasonable enough, or it's expensive side? Okay, so we consider us is not only a hardware company but also software company. So if you look at the hardware, it's too costly compared to others. Okay. But the solution in it, the operation system, the software. Yeah. So we have in headquarters we have more than 800 employees, and more than half of them are software developers. So we don't consider us just a hardware company. We consider us as a software company also. Oh. So that's a reason why we can have value added for the users, and that's the reason why they can willing to pay more for our solutions. So ये ऐसा कह रहा है कि ऐसे नहीं है कि आपका जो है काम रीजनेबली हो जाएगा, पर कहने का ये है कि वो अपने आप को एक हार्डवेयर कंपनी नहीं गिनते हैं, अपने आप को एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी गिनते हैं, और जो है इनका जो सर्विस सेंटर है वो मुंबई में है और नेक्स्ट ईयर तक वो बैंगलोर में भी आने वाला है। सो ऐसे करके जो है ये इंडियन मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी आर रियली ग्रेटफुल। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल माइट बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड दे विल श्योरली कम एंड टच एंड ट्राई। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम जो है इनको धन्यवाद करते हैं, इन्होंने जो है छोटा सा गिफ्ट भी दिया है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस। आई एम श्योर मैं इनको जो है दिखा दूंगी क्या आपने दिया। थैंक यू। सो अभी देखिए हम लोग फुजीनॉन के स्टॉल पे है। यहाँ पे जो आप देखते हो ना बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स वगैरह रहते हैं उसका जब हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे ये सारे जो है एक एक डेढ़ डेढ़ करोड़ के कैमराज रहते हैं। आप देखिए लास्ट ईयर भी हम लोग ने दिखाए थे, अब इनके नए वेरियंट्स आ जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट एंड ट्राई करने के लिए रखी है। तो इंडिया में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, पर यहाँ पे उन्होंने रखा है ताकि आप सब लोग यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कर सके। देखिए यहाँ से जो है आपको ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है। तो इसकी क्वालिटी ऑफकोर्स हाई एंड वगैरह रहती है। स्काई वायर, ये जो ब्रॉडकास्ट है, ये सारे मिक्सर ऑपरेटिंग वगैरह के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए रहती है, बॉन्डिंग डिवाइसेस चाहिए रहती है, वो सारा है यहाँ पे। आप देखिए वापस जो LED जो LCDs रहते हैं कलर करेक्शन वगैरह के लिए, उस सब के लिए उन्होंने मॉनिटर्स यहाँ पे प्लेस किए हैं, जिसमें आपको जो सिनेमा के लिए लोग कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हैं, DI कलरिस्ट रहते हैं, उन सब के लिए उन्होंने जो है यहाँ पे ये स्क्रीन रखा है। अभी जो है हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कोलो वाले का स्टॉल है जहाँ पे आपको सारे अलग अलग ब्रांड्स के कैमरा वगैरह मिल जाएंगे। फिर जो है अभी हम लोग डिजिटेक के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। डिजिटेक के वहाँ पे ना आपको काफ़ी सारी किफ़ायती लाइट्स जो रहती है वो मिल जाएगी, क्या आप देख पा रहे हो? यहाँ पे उन्होंने ट्राईपॉड्स भी रखे हैं और यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर रखा है। ये टेलीप्रॉम्प्टर है, तो ये किसके लिए? फ़ोन के लिए है? कैमरे के लिए, कैमरा के लिए, फ़ोन के लिए, फ़ोन के लिए और कैमरा के लिए, दोनों के लिए चल जाएगा। तो ये किसने कितने का पड़ता है ये प्रॉम्प्टर? 4,500 का। और ये क्या है? लाइव स्ट्रीमिंग और ये सब कुछ इससे ही हो जाएगा। तो ये एक ही डिवाइस से लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह हो जाएगा। तो जो जो लोगों को जो है ना, अगर आप जो है YouTube वीडियोस बनाते हो या एजुकेशनल वीडियोस बनाते हो, अगर आपका कैमरा आप यहाँ पे पीछे प्लेस कर देते हो तो यहाँ पे आपका फ़ोन आ जाएगा और उसमें जो इसका ऐप आता है या ऐप भी है, तो एप्लीकेशन पे ना जो आपकी स्क्रिप्ट रहेगी यहाँ पे लिख के आ जाएगी। सो कहने के लिए 4,500 का ये टूल है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर यहाँ पे देखिए इन लोगों ने माइक्स भी रिलीज किए हैं, कॉलर माइक है वगैरह, ये गिम्बल्स है। HDMI इन है, इसमें एक HDMI आउट है,
माइक लाइन इन और माइक का दोनों का ऑप्शन दिया है और विडियो लाइव प्रिंट है, इसमें इंटरनेट का कनेक्शन भी दे सकते हो, नए पावर भी दे सकते हो। सो आप देखिए यहाँ पे ये कितने हाई लेवल के जो सारे कैमराज रखे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कितने सारे जो है कंट्रोल्स है, और यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे प्लेसमेंट की है, ऑफकोर्स ये सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग गिम्बल्स और जो है मैन्युअली आप ये सारा जो काम कर सकते हो, या टिल्टा के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंटेड है। देखिए यहाँ पे देखिए मेरे पास एक बहुत ही हैवी जो है यहाँ पे गिम्बल है, देखिए ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। सो अभी जो है हम लोग DJI के स्टॉल के पास जा रहे हैं, यहाँ पे जो है बहुत सारे गिम्बल्स वगैरह रहेंगे, माइक रहेंगे और जो फ़ोन के गिम्बल्स है वो सारी चीज़ें रहेंगी, राइट। सो अभी हम लोग यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे यहाँ के पर्सन को और देखते हैं कि इनके पास जो है कौन से जो है नए नए गिम्बल्स वगैरह आए। आपके DJI का ऐप कनेक्ट करने का इसके साथ? हाँ, इसके साथ DJI के ऐप के साथ आपका कनेक्ट होता है। सो अभी जो है हम लोग DJI के स्टॉल पे आए हैं, और आपका नाम? माय नेम इज तापस शाह। तापस जी जो है हमें यहाँ पे गाइड करेंगे, सारे अलग अलग जो इनके पास इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ। तो आप मुझे बताइए अभी DJI के पास कौन सा भी सबसे लेटेस्ट आया है? हम अपने पास DJI की अपने पास दो तीन कैटेगरीज है, वी आर डिवाइडिंग टू मेनी कैटेगरीज, दैट एक्शन कैमरा कैटेगरीज, मोबाइल कैमरा MHS के लिए मोबाइल कैमरा कैटेगरी अलग है मोबाइल के लिए, और कैमराज के लिए अलग कैटेगरीज है। बेसिकली वी आर DJI इज अ ब्रांड ऑफ स्टेबिलाइजर्स, ये अपना कैमरा मोबाइल फोन की स्टेबिलाइजर है, बाकी कैमरा के स्टेबिलाइजर्स है। जैसे मोबाइल फोन में काफी सारे ब्रांड्स है, राइट। तो ये सारे ये जो आपका गिम्बल है जो मोबाइल के लिए है उसमें क्या डिफरेंशिएटर है? देखिए पहला जो आपके एंट्री लेवल आती है OMSE आती है, ये बेसिकली ये 3-axis गिम्बल्स होते हैं, 3-axis विद अ ट्रैकिंग स्पीड। इसमें फर्क ये पड़ेगा कि आप जो मोबाइल्स की आपका जो मोबाइल है इसका आपको वीडियो करने के लिए क्या होता है, आपको 3-way रोटेशन आपको दरकार होता है कि वीडियो बनाने के लिए, वो इस पे है। बाकी जो ब्रांड की गिम्बल्स होती है वो बेसिकली 2-axis गिम्बल होती है। अच्छा, ठीक है। तो ये आपका 3-axis गिम्बल होती है, तो डिफरेंस दैट इज मेड फ्रॉम द अदर ब्रांड कि इसका ट्रैकिंग स्पीड अलग है। आप जो आप ट्रैक कर रहे हैं, आप जो मूव कर रहे हैं, हम जो ट्रैक करेंगे, ये 2.0 जो ट्रैकिंग वर्जन है लेटेस्ट, ये इनेबल्ड है। ये भी OMSE 2.0, OM6 भी 2.0, कैपेसिटी ऑफ 13.2 kg, इसमें 13.2 का आपका लोड कैपेसिटी है। तो जो भी सारे है जैसे रेड है, आरी है, उस या फिर कैनन के सिनेमा लेंस, हां ये कैमरा डाउन कैमरा, वो सब कुछ इसमें लगा सकते हैं, मतलब 15 किलो का 13.5 किलो का जो पेलोड है, मतलब ये काफी अच्छा पेलोड कहा जाएगा। अभी मुझे बताइए कि इसमें जो है इसका खुद का वजन कितना है? इसका खुद का जो ये ब्रैकेट है इसका 1.4 है, और टोटल सेट का ब्रैकेट है 3.4 kg आपका, या 4.5 ऑल एसेसरीज लेके 4.5 तक आपका, राइट। ये जो अगर पर्टिकुलरली आप ये यूज करते हो, अगर मुझे किसी और जगह पर इसको अटैच करना है, ठीक है, मैंने ये जगह शोल्डर यूज कर लिया, बहुत सारी अलग अलग जगहों पर भी आप अटैच कर रहे हो, जैसे क्रेन में अटैच कर दिया, या फिर जो आप खुद भी डॉली शॉट ले रहे हो तो वैसे अटैच कर दिया, तो उसके अटैचमेंट्स आपके वहाँ से है या उसके अलग अटैचमेंट्स कैसे काम करते हैं? अलग अलग अटैचमेंट्स आते हैं। आपको पता है कि इसमें कार माउंट भी होता है, रनिंग शॉर्ट्स के लिए भी माउंट्स होते हैं, तो वो सारे माउंट लगा के आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे सिनेमा में सबसे ज्यादा यही यूज होता है, रोनिन 2 गिम्बल है, इससे पहले सर रोनिन, हाँ इससे पहले मैम रोनिन 1 गिम्बल आता था, वो भी आप यूज कर सकते हैं, और इजी रिंग के थ्रू भी यूज करते हैं, जैसे DOP है वो, या फिर आपका ऑपरेटर है वो अलग अलग होते हैं, वो लोग यूज कर पाते हैं। इसके साथ एक इसका मिमिक आता है, मिमिक बोलते हैं लोग उसको, मिमिक मतलब मिमिक एक कंट्रोलर होता है बेसिकली। अच्छा, तो वो छोटा सा कंट्रोलर रहेगा जिससे आप उसके थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, और ये जो मैंने दूसरा ट्रांसमिशन सिस्टम लगा रखा है, ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू भी मैं इसे यूज कर सकता हूँ, उसमें जायरोस्कोप मोशन कंट्रोल मिल जाता है, या फिर आपको ये हैंड ग्रिप के थ्रू, हाँ या फिर हैंड ग्रिप के थ्रू आप इसे, जी इस तरीके से मैं इसे यूज कर सकता हूँ। इसमें ना आपको ये हैंड कंट्रोलर मिल जाता है या जायरोस्कोप मिल जाता है। अभी जैसे मैंने रोनिन 4D में इसको लगा रखा है, पर ये इसके ऊपर जो उन्होंने बोला कि रेंज फाइंडर मिलेगा, लिडार क्या बोला, लिडार रेंज फाइंडर होता है, ये इसके ऊपर अटैच करता है। लिडार रेंज फाइंडर आपके कैमरे के साथ में वर्क करता है, लिडार रेंज फाइंडर जो होता है वो आपकी ऑटो फोकसिंग के लिए काम करता है, सेम फीचर लाइक दिस ये है, हाँ जो लिडार रेंज फाइंडर है ये ऑटो फोकसिंग में भी काम करता है, और मैनुअल फोकसिंग भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। अगर मैं AF पर टच कर दूंगा तो ये ऑटो फोकसिंग करेगा यहाँ पे अभी, ठीक है मैम। एंड लिडार से यही सबसे बड़ा फायदा है बेसिकली। एंड आप इसमें काम कीजिए ना, लिडार स्टार्ट टू एंड थोड़ा समझाइए ना, मैं समझा नया रहेगा। हाँ मैं 4D पे सारी चीजें ये आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने इसका अभी कैमरा नहीं लगा रखा कोई, ठीक है, यहाँ पे आप शुरू। हाँ मैं इसमें सारे फीचर्स समझाऊंगा, लास्ट टाइम आपने सिर्फ इसका जेड एक्सिस देखा था। हाँ। तो इसके अंदर मैम आपको ऑटो फोकसिंग के लिए AF मोड मिल जाता है, इसमें ऑटोमेटिकली ये फोकस करेगा। ये रोनिन 4D कैमरा है जैसे हमने लास्ट टाइम भी दिखा था। हाँ।
तो ये Ronin 4D में बेसिकली 4 एक्सिस कैमरा होता है, 4D, 4 डायरेक्शंस में ये वर्क करता है, इसलिए 4D बोलते हैं इसको। 4 डायरेक्शन इसमें जितने भी सारे गिम्बल होते हैं, गिम्बल इंटरनल कैमरा गिम्बल ही हो गया, गिम्बल प्लस कैमरा बोथ इंक्लूडेड है इसमें। अच्छा, आपको एडिशनल अगर लेंसेज चेंज करने होता है इसमें तो सिर्फ 24 MP। मैं 1x1 सारे पॉइंट्स पे आऊंगा मैम। मैं सबसे पहले कैमरे के बारे में बताता हूं, इसमें सारे एडिशनल फीचर्स और वो सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी। DJI के स्पेक सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पर ऑनलाइन। अच्छा, बाकी मैं फिर भी बताऊं तो 35 mm फुल फ्रेम CMOS फुल फ्रेम सेंसर है, ठीक है। अब वो सारे सेंसर ये हो जाता है, इसमें DL माउंट लगा हुआ है। अभी ये माउंट मैं पर्टिकुलर चेंज कर सकता हूँ, जो अभी आप पूछ रहे थे। अच्छा, तो DL माउंट के थ्रू मैं DL लेंसेस लगा रहा हूँ। DL लेंसेस में DJI के खुद के लेंसेस आते हैं, 24 mm आता है, 35 mm आता है, 50 mm आता है और 17-28 आता है। पर मेरे को ये बताइए कि अगर आपके लेंसेज है, सही है आपके लेंसेज बहुत बढ़िया है, पर काफी सारे जो सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं वो अपने अपने लेंसेज खुद लगाना चाहते हैं, इतने सारे सिनेमा लेंसेज जो मार्केट में आते हैं, तो वो कैसे लगाएंगे? मैं वही बता रहा था, इसमें अभी DL माउंट लगा रखा है, तो DL माउंट के ये सारे लेंसेज हो गए। अगर मैं माउंट चेंज करना चाहता हूँ या फिर मेरे पास ऑलरेडी कोई लेंसेज है मैं वो यूज करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए इसमें 3 माउंट अलग से आते हैं, M mount, E mount, EF mount. अच्छा, तो वो माउंट चेंज करके मैं कोई भी लेंसेज लगा सकता हूँ। अच्छा, तो इसमें माउंट चेंज करके आप कौन से भी, पर फिर वो बैलेंस कर पाएगा? हाँ, क्यों नहीं कर पाएगा, उसके साथ में एक फोकस मोटर लगता है। खुद ही वो बैलेंस करेगा या मेरे को करना पड़ेगा? उसमें एक फोकस मोटर लगता है, फोकस मोटर लगने के बाद जैसे गिम्बल का पार्ट होता है ना, उसी तरीके से इसको बैलेंस करना पड़ता है। आपने गिम्बल यूज किए होंगे, कैमरा गिम्बल, मोबाइल फोन गिम्बल, जैसे उनको बैलेंस करना पड़ता है उसी तरीके से लगेगा। हाँ, उसमें ये 3 एक्सिस गिम्बल है सेम, पहले तो ये पैन एक्सिस है इसका, ये रोल एक्सिस है, ये टिल्ट एक्सिस है, सेम लाइक गिम्बल। गिम्बल प्लस कैमरा बोथ है ये। इसमें यहाँ पे ये ट्रांसमिशन सिस्टम भी लगा रखा है, तो ये कॉम्बो पैक बन गया कि आपको एडिशनल किसी और चीज पे जाने की जरूरत नहीं। ट्रांसमिशन सिस्टम से आप जो है जो भी आप फुटेज यहाँ पे ले रहे हो डायरेक्ट लाइव मिक्सिंग वगैरह कर पाओगे या लाइव आप देख पाओगे? मैं अभी ये ट्रांसमिशन सिस्टम मैंने इसका लगा रखा है, सिस्टम ऑलरेडी अटैच है, मुझे डिटैच करना तो डिटैच भी कर सकते हो। हाँ, डिटैच कर सकते हो, इसके कॉम्बो पैक में नहीं आता है, ये अलग से परचेज करना पड़ता है। हमने इसको इसमें लगा रखा है अभी ट्रांसमिशन सिस्टम को। लगाने के बाद मैंने ये रिसीवर इसका यूज कर रहा हूँ, रिसीवर यूज कर रहा हूँ मैं। इस रिसीवर के थ्रू मैं अपने कैमरे को पूरे को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसके साथ साथ ये आउटपुट भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। इसमें HDMI आउट मिलता है, HDMI आउट मिलता है और DC इन रिसीवर को मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ। ये एक्सपेंशन प्लेट अलग से लगता है, ये एक्सपेंशन प्लेट मैंने ट्रांसमीटर में लगा रखी है, ट्रांसमीटर का ये हाइब्रिड मॉनिटर रिसीवर होता है। अच्छा, तो आप यहीं से सारा जो है पूरा कैमरा कंट्रोल, कैमरा मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने कैमरा यहाँ से लाइव स्ट्रीम करना हो तो भी हो जाएगा, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं आप। हाँ, इसमें मैंने कैमरा को अभी बेसिकली आप देख मतलब सकते हो, आपका पूरा मॉनिटर आ गया। अगर आप सिनेमा का कोई भी फिल्म शूट कर रहे हो तो डायरेक्टर के पास यहाँ पे मॉनिटर आ गया, वो यहीं से कंट्रोल भी कर सकता है जी। अगर वो ब्रॉडकास्ट लेवल पे काम कर रहा है तो वो स्ट्रीम भी कर पाएगा जी मैम। अच्छा, तो मैम बेसिकली आप इसमें कंट्रोल मोड में 2 रिसीवर यूज कर सकते हो सिंगल टाइम में, तो 2 रिसीवर के थ्रू मैं इसे कंट्रोल कर पाऊंगा। जैसे आप देख सकोगे जनरल सेटिंग्स में मैं जाता हूं, कंट्रोल मोड, ये 2 रिसीवर, एक रिसीवर ये, दूसरा और। अच्छा, अगर मेरा डीओ भी है तो अंदर लेके वो देख सकते हैं और डायरेक्टर है उनके पास अलग से। अच्छा, दो आप एक टाइम यूज कर सकते हो और दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर ए और मॉनिटर बी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ कंट्रोल मोड में। ब्रॉडकास्ट मोड में जाते ही मैं आप मल्टीपल रिसीवर्स इसके साथ में यूज कर सकता हूँ, अगर मेरे को सिर्फ डिस्प्ले दिखाना है तो एक कैमरे। अच्छा, मतलब इसमें जो है कंट्रोलर 2 है, पर अगर आपको व्यूइंग पर्पस के लिए चाहिए तो बहुत सारी जगह पे आप एक साथ देख सकते हैं जी। अच्छा, ओके, तो वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। अगर मैंने कैमरा को मिरर कंट्रोल मोड में डाल रखा है तो उससे मैं सारे कैमरा के फीचर्स भी यहाँ से कंट्रोल पर कर पाऊंगा। जैसे मेरे को ये रेजोल्यूशन चेंज करना है 6K to 4K एंड ऑल थिंग्स, तो मैं यहाँ से भी कलर वगैरह चेंज करना है, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था डी लॉग एच लॉग, अगर मेरे को कैमरा का प्लेबैक देखना तो यहाँ पे प्लेबैक मिल जाता है। पर मेरे को एक बात बताया, जब आप डी लॉग की बात करते हो, अभी तो अगर कलर ग्रेडिंग करने बैठे, अगर डाविंची भी अगर आप यूज कर रहे हो तो कलर ग्रेडिंग एक ऐसा टास्क हो जाता है कि सारे लॉग्स के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हर कंपनी का जो लॉग है ना थोड़ा डिफर करता है, सिमिलर नहीं है। तो सारे लॉग्स के हिसाब से जो है मार्केट में जो कलर ग्रेडिंग जो प्रीसेट्स है ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, तो डी लॉग तो थोड़ा सा नया हो जाएगा। फिर उसके लिए आपकी कंपनी ने ऑलरेडी कुछ बनाया है जो आप ऐसा कुछ नहीं है मैम, आप नॉर्मली ही है, ऐसा कुछ ऐसा खास नहीं है कि उसमें अलग से बनाया हो। और आपको ये यहाँ पे सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। हाँ, आप सारा ND फिल्टर इनबिल्ट होते हैं इसके अंदर 12, तो यहाँ पे 12 ND फिल्टर से मैं वो भी देख पाऊंगा। पर एक ऐसा रहेगा ना सॉफ्टवेयर जहाँ से आपने अपना फुटेज डाला वो DJI का भी खुद का रहेगा? DJI का खुद का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, क्योंकि ये DJI जो है सॉफ्टवेयर या उसके थ्रू काम नहीं करती, DJI का खुद का हार्डवेयर बेस्ड है। तो DJI का ये खुद का आप कह सकते हो कि SSD डिवाइस होता है, 1 TB का हार्ड ड्राइव है। अच्छा, ये सी टाइप है यहाँ से। आप इससे आउटपुट ले सकते हो और आप कोई भी आप जो भी आप यूज करते हो एडिटर या भी जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसमें आप इसे एडिट कर सकते हो। आप गिम्बल को कैमरा को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, रिसीवर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, मोशन कंट्रोल, जायरोस्कोप एंड ऑल थिंग्स भी आप यहाँ से कर पाएंगे।
मैं अगर गिम्बल्स की स्पीड दे रखी है, मैं ये देखो कि यहीं से भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो इस तरीके से भी मैं मूवमेंट दे सकता हूँ गिम्बल में। यहाँ से अगर मैं जॉयस्टिक के थ्रू देना चाहूँ तो जॉयस्टिक के थ्रू भी कर सकता हूँ। ट्राइपॉड पर लगा के अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो उस टाइप से भी इसे यूज कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो बेस है मेरा ट्राइपॉड पर लग जाएगा, मेरा गिम्बल फ्री है मूव करने के लिए। तो आपको एडिशनल बहुत सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। So, अभी जो है हम लोग इंस्टा 360 के स्टॉल पे आए हैं, और आप शिरदू जी जो है हमें ये समझाएंगे कि इंस्टा 360 में जो आप 360 डिग्री शॉट्स ले पाते हो वीडियो में, उसमें कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है। प्लीज बताइए आपके पास कौन सा नया कैमरा आया है, लेटेस्ट लॉन्च कौन सा है। लेटेस्ट GO3 लॉन्च नया मॉडल है। ये सबसे लेटेस्ट कैमरा है हमारे लिए, अभी आता है ओनली 35 ग्राम सबसे छोटा है। okay. और 2.7 के का रिकॉर्डिंग होता है। okay. टच स्क्रीन भी आएगा, प्लस यू कैन रिमूव एंड कैन माउंट इट ओवर हेलमेट, चेस्ट माउंट, जो ये माउंट आता है यू कैन माउंट इट व्हेयरएवर यू वांट। तो जब आप ट्रैकिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, तो वीडियो स्टेबिलिटी इज मच बेटर। प्लस अगर आप यहाँ से कनेक्ट करते हो, तो ये जो है इतना छोटा सा कैमरा है, आप देख पाते हो कि ये जो है एक बहुत ही छोटा सा कैमरा है GO3, राइट। हम लोग ने GO2 आई गेस रिव्यू भी किया था, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे जो है हमारे पास ये कैमरा आ चुका है, एंड देन प्लस ये सारे यहाँ इसमें आपको टिल्टेबल स्क्रीन भी दिया गया है, मतलब पूरा जो है सेल्फी शॉट ले सकते हो। मतलब अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो और आपको खुद का व्यू देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। पूरा पूरा एक्शन पॉड बन जाता है ये। अगर ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है पर मैं यहाँ से बोल रही हूँ तो भी आपको वहाँ पे वो सीन दिखेगा, राइट। सो फॉर व्लॉगर्स ये बहुत ही अच्छा काम हो जाता है। इसमें फोटो प्लस वीडियोस भी आ जाएंगे, इसमें फोटोज वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड ये ऐप बेस्ड है, मतलब अगर आपके फोन में ऐप है उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स रहेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें रहेगी, काफी सारे अलग अलग मोड्स है, तो आप इसके अंदर से भी कंट्रोल कर सकते हो और आप से भी कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, टाइम लैप्स मिलेगा आपको, लूप लाइन ऑप्शन जो भी चाहिए बेसिकली फॉर वेडिंग, सॉरी वीडियोग्राफी के लिए, और वो सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको आएगा वन ऑफ द बेस्ट मॉडल इन द एंटायर ब्लॉगिंग के लिए, X3। जो भी इंसान X3 लेता है, अगर आप जो है ट्रैवल ब्लॉगर हो, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर हो, बड़े बड़े जो है वेडिंग्स में जाते हो, इवेंट्स में जाते हो, यू नो संगीत शूट करते हो, बड़ा बड़ा इवेंट शूट करते हो, जहाँ पे आपको ड्रोन जैसा व्यू चाहिए, FPV ड्रोन जैसा व्यू चाहिए, वो सारी चीज़ें आप इंस्टा 360 X3 से कर सकते हो। आपको बस इसके अलग अलग जो मोड्स हैं, मतलब चलना, कैसे उसको स्वाइप करना है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है एंड इवेंचुअली आप कर पाओगे। आप ये देख रहे हो कि ये जो है इसमें जो स्टिक है ये 20 फीट की स्टिक तक भी वो 30 फीट तक आप ऊपर लेके जा सकते हो। अगर आप ड्रोन एरिया में नहीं हो, आप खुद से ही इसका ड्रोन क्रिएट कर पाओगे, एंड एज यू कैन सी कि कितना ऊपर जा रहा है, राइट। सो ये सारी जो चीजें हैं, अगर आप जो है कोई इवेंट में जाते हो एंड देखो ये कितना ऊपर तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट आपको ड्रोन शॉट मिल गया, राइट। और ऊपर से 360 डिग्री व्यू वाले जो क्रिएटिव शॉट्स है वो भी इसमें से पॉसिबल हो जाए, आराम से आ जाएगा। सो अभी जो है यहाँ पे लेसी का भी स्टॉल है, जो सारी रगेड जो सारी हार्ड डिस्क रहती है, SSD ड्राइव्स रहती है, वो सब कुछ यहाँ पे लोग बेच रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है फिल्म लेवल के जो ट्राइपॉड्स होते हैं ना बड़े बड़े, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे रखी है जो स्टूडियो असिस्ट के थ्रू है। इसकी ऑफकोर्स पेलोड कैपेसिटी बढ़ेगी और बहुत ऊंची होती है, पुराने मॉडल है बट स्टिल बेटर इन द मार्केट, लो लाइट के लिए बेटर परफॉर्मेंस, डिटैच हो सकता है, ठीक है। ये जो है ना ये काफी रन हुआ है मार्केट में, अभी तक चल रहा है, क्योंकि ये आप जो है पूरा का पूरा कैमरा इसे, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिटैचिंग, व्हाई वुड यू डिटैच इन फ्यूचर इफ इंस्टा लॉन्चेस एनी अदर लेंसेज ही कैन अटैच डायरेक्टली ऑन माउंट। अच्छा, तो फ्यूचर के लिए। अच्छा, तो ये जो है फिर भी ये चलेगा और आप इसके ऊपर लेंसेज चेंज कर सकते हो, मतलब आपकी ये बॉडी सालों साल तक चले उसका ये पर्पस से जो है इन्होंने ये डिटैचेबल चीज बनाई है, राइट। नेक्स्ट है हमारा नया मॉडल गिम्बल इंस्टा 360 फ्लो विद न्यू टेक्नोलॉजी एट ऑल AI टेक्नोलॉजी। ये जो इंस्टा 360 फ्लो है वो हम लोग खुद भी यूज करते हैं, ये एक AI बेस्ड गिम्बल है। AI बेस्ड गिम्बल का मतलब ये होता है कि आपका जो है ये पूरा का पूरा गिम्बल एक तो आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, ऊपर से जो है आप इसको ऊपर खींच के जो है आप इसको खींचिए, आप इसको खींच के जो है सेल्फी की तरह भी काम कर सकते हो, और ऊपर से अगर आप ऐसे करते भी हो तो आप जो है ऐसे भी काम कर सकते हो। एक फीचर ये हो जाता है। दूसरा फीचर है
दूसरा फीचर हो जाता है कि यहाँ पर जो है अलग अलग मोड्स दिए हैं, राइट, एफ मोड, पीवी मोड, एफपीवी मोड, ये इसे यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। ऊपर से जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोड आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है माइक लगा भी सकते हो, अगर आप जो है ब्लॉगिंग करते हो भाई माइक कहाँ पे लगाओगे, तो यहाँ पे जो है इन्होंने एक ऐसा भी अटैचमेंट दिया जब आप माइक लगा सकते हो। ये जो है अभी वर्टिकल है, इसको जैसे ही ऐसे करोगे ये हॉरिजॉन्टल भी शूट करना शुरू कर देगा। एंड एट द सेम टाइम ये मोबाइल को अगर आपको चार्ज करना है, अगर आपका मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो जाता है, तो आप ये कॉर्ड जो है इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, तो इसका जो इंटरनल बैटरी है वो आपका मोबाइल भी चार्ज करेगा। तो आपका ब्लॉगिंग के टाइम पे अगर आपका काम हो, मतलब बैटरी ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो, वो भी नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखो ये जो है ना ट्राइपॉड की तरह भी काम करेगा। सी सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए भी होगा, इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, अगर आप एक टाइम पे एक जगह पे इसको बिठा देना चाहो गिम्बल को, मतलब एज अ ट्राइपॉड, एज अ गिम्बल एंड एज अ ब्लॉगिंग किट पूरी तरह से काम हो जाएगा और पावर बैंक की तरह भी काम करेगा। अच्छा, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं वो पूरा का पूरा इंस्टा जो 360 डिग्री व्यू है वो देख पा रहे हैं, तो पीछे भी देख पा रहे हैं, ऊपर भी देख पा रहे हैं, और यहाँ पे जो है ये सारा उन्होंने कंट्रोलर दिया है जिससे आप कंट्रोल कर पाओगे, राइट। सो अभी अगर आप देखो, अगर मुझे आपको दिखाना हो तो अभी जो है ये जो प्रो 2 है, ये आप टूल देख रहे हो, इससे जो है आप सारे एंगल्स, इसमें बहुत सारे कैमराज लगे हुए हैं, तो ये सारे एंगल्स से जो है शूट कर रहा है। अभी जो है जो मैंने अभी पहना था वीआर टेक्नोलॉजी, राइट, सो काफ़ी लोग जो है वीआर टेक्नोलॉजी अभी यूज़ करना चाहते हैं, वो अभी फ्यूचर है, धीरे धीरे जो इसके ग्लासेस है वो लाइट वेट होते जा रहे हैं। एंड एज यू कैन सी कि बहुत सारे जगहों पर जैसे वेडिंग में, इवेंट्स में, सब लोग को उसको रिक्रिएट करने के लिए घर देखना है, या फिर आपको स्टोर देखना है, पूरा का पूरा स्टोर देखना है, घर पर बैठ के स्टोर, वर्चुअल स्टोर्स देखने हैं, वो सारी चीज़ें अभी इसमें पॉसिबल है। इसको शूट करने के लिए ये कैमरा यूज़ किया गया था, एंड आई वुड टेल यू कि आपको ऐसा ही लगेगा कि आप वहाँ पर आ चुके हैं। अभी जो है यहाँ पे बेनक्यू का स्टॉल है, आई एम श्योर काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये लोग मॉनिटर्स बनाते हैं। अभी जब इससे आप जो है बहुत अच्छा खासा कलर ग्रेडिंग करते हो, DI कलरिस्ट हो या फिर एडिटिंग करते हो, तो आपको चाहिए कि आपका बहुत ही प्रिसाइज काम हो, तो ये लोग जो है खास करके यही सारी चीज़ें बनाते हैं। आप देख पा रहे हो कि उनका जो कलर क्वालिटी है, जैसे कि इन्होंने वर्टिकल स्क्रीन अभी लॉन्च की है, तो ये भी अगर काफ़ी लोग पता है रील्स का कॉन्टेंट बनाते हैं, उनके लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मिक्स हो जाए, ऐसी जो है यहाँ पर चीज़ें रखी गई है। देखिए यहाँ पे जो इनकी कलर क्वालिटी है वो सभी चीज़ें जो है आप ही देख पा रहे हो। अभी ये देखो इन्होंने जो है पूरा क्लास बोर्ड भी बनाया। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो है सिने ग्रुप लोटस का देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी जो कंपनीज है उनका यहाँ पे ये लोग कलर, जैसे ब्रोन कलर हो गया, RE हो गया, GFM हो गया, DOP चॉइस हो गया, ये सारे ब्रांड्स जो है यहाँ पे इन्होंने रखे हैं। काफ़ी सारी जो लाइट्स है, जो सिनेमा की लाइट्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे भी जो है आपको देखो ये बड़े बड़े जो फिल्म्स रहते हैं, जो एकदम सॉफ्ट लाइट चाहिए रहती है चेहरे के ऊपर, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने यहाँ पे रखी है। मतलब कहने का ये है कि आपको बहुत सारा जो है मार्केट मिल जाता है, जिसमें आपको अलग अलग डिफ्यूज़र्स, अलग अलग लाइट्स, अलग अलग पर्पसेस के लिए, मतलब हर एक शॉट के लिए, जब भी आप फिल्म का शूट कर रहे हो, हर एक शॉट के लिए आप ये सारी लाइट्स ले सकते हो। ये जो है हम लोग नैन लाइट के स्टॉल के ऊपर आए हैं, नैन लक्स, फोटो क्विक, ये सारे ब्रांड्स जो है इनके अंदर है। देखते हैं कि इनके पास कौन सी नई नई लाइट्स आई है। सो अभी जो है हम आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लाइट्स रखे हुए हैं, एक छोटी सी लाइट, एक कॉम्पैक्ट लाइट भी है, और बड़े बड़े लाइट्स भी है, बड़े बड़े जो है डिफ्यूज़र्स भी है। कहने के लिए देखो हर एक ब्रांड जो है आपके लिए लाइट्स यहाँ पे लेके आए हैं, आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। उनके नए लॉन्चेस जो है वो भी उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। देखिए ये जो सारे सिनेमा लाइट्स वगैरह रहती है वो सब कुछ जो है यहाँ पे है, तो जो जो लोगों को है नाइन लाइट का क्वालिटी पसंद है वो यहाँ पे आके ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। उनके ऊपर भी जो है अलग अलग वेरिएंट्स उन्होंने यहाँ पे रखे हैं। देखो वहाँ पे वाटरप्रूफ लाइट्स भी रखी है, तो मतलब पानी के अंदर जब आप काम कर रहे हो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टिक लाइट्स रखी है, फिर देखो वहाँ पे कैसे जो है लाइट को सेटअप करना है, और अलग अलग जो है लाइटिंग सिचुएशन में सीन के हिसाब से कौन सी लाइट्स यूज़ करनी है उसके ऊपर वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने दिखाया है। सो यहाँ पे जो है ब्लैक मैजिक का ही एक पूरा का पूरा सेटअप है। देखिए ब्लैक मैजिक एक ऐसी कंपनी है जिसके पास ही जो है डाविंची रिजॉल्व का पूरा सॉफ्टवेयर है। सो कहने का ये है कि अगर आपको डाविंची रिजॉल्व में कलर ग्रेडिंग, बहुत सारे DI कलर से लेके बहुत सारे लोग वेडिंग्स में भी, प्री वेडिंग में भी डाविंची रिजॉल्व आजकल लोग यूज़ करने लगे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने जो ये सारा सॉफ्टवेयर रखा है, उनका जो लेटेस्ट वर्जन है वो उन्होंने यहाँ पे रिलीज़ करके रखा है, आप यहाँ पे टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। जो मिक्सर रहता है जिसके थ्रू आप इजीली यहाँ से ही पूरा काम कर सकते हो एडिटिंग का, वो भी उन्होंने यहाँ पे प्लेस किया है। फिर अगर हम लोग अंदर जाए तो सारे जो मिक्सर सेटअप्स होते हैं ब्लैक मैजिक के, मतलब 4 एंगल, 8 एंगल, 16 एंगल, 32 एंगल्स, ये सारे एंगल्स जो आपको मिक्स करने होते हैं वो सारी चीज़ें भी उन्होंने यहाँ पे प्लेस की है। फिर जो है
अगर आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे जो है आपको ये सारे कैमराज जो ब्लैक मैजिक के कैमराज है, देखिए वो सारे चीज़ें भी आपको यहाँ पे टेस्ट एंड ट्राई करें मिलेगी, सारा कंट्रोल आप यहाँ से कर पाओगे। और ब्लैक मैजिक फोटोग्राफी के लिए नहीं है, ये सिर्फ सिनेमाटोग्राफी के लिए है, मतलब हाई एंड पे आपको सिनेमा शूट करना था, काफ़ी लोग ब्लैक मैजिक को भी प्रेफर करते हैं। सो अभी जो हम लोग लेक्सा लाइटिंग सॉल्यूशंस के वहाँ पे आए हैं, ये जो है ब्रॉडकास्ट लेवल की और सिनेमा लेवल की लाइट्स जो है लॉन्च कर रहे हैं और बना भी रहे हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। आप मुझे बताइए कि आप जो यहाँ पे लाइट्स लेके आ रहे हो, आपके पास डिफरेंशिएटिव प्रोडक्ट्स कौन से हैं? मतलब काफ़ी सारी लाइटिंग ब्रांड्स होती है, पर जो ब्रॉडकास्ट और सिनेमा लेवल की लाइट्स आप लेके आए हो ठीक है, पर आपके वहाँ पे डिफरेंशिएटिंग मतलब नए प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो लोगों को पसंद आए और लोगों को जो है यूटिलाइजेशन में ज़्यादा अच्छा पड़े? ओके, सो यर कमिंग टू दिस लेक्सा, वी आर द स्पेशलाइज्ड इन ओनली द ब्रॉडकास्ट लाइटिंग वन, एंड दिस कंपनी इज लोकेटेड इन मैंगलोर एंड इट इज प्योरली ऑफ इंडियन मेड। अच्छा, पूरी इंडियन मेड कंपनी? कंप्लीटली इट इज इंडियन मेड, इट्स एमएसएमई। ओके, एंड वी हैव प्रेजेंस इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ 5 इयर्स, वी हैव प्रेजेंस इन मोर देन 21 कंट्रीज। That is one thing. तो ये इंडिया बेस्ड ब्रांड है और जो है ये पूरे के पूरे भारत पूरे ग्लोबली जो है 21 कंपनी 21 कंट्रियों में जो है इन्होंने अपना जो है वर्चस्व बनाया है। जो ये इंडिया पूरी की पूरी इंडियन मेड ब्रांड है, बैंगलोर से है। Yes. Okay. And one more thing, recently last week we have awarded as like in ET. Okay, in ET we have awarded one of the emerging fastest growing company in globally. अच्छा. Okay. So this is one point. Okay. Okay. आपके पास लाइट्स कौन सी नहीं आई? यस, इफ यू सी अबाउट द लाइट, दीस आर द पैनल लाइट्स मेंट फॉर द स्टूडियो ओनली। अच्छा, ओके, दिस इज वन थिंग। इंडोर काम करने के लिए ये सारी चीजें। यस यस, अगर आप जो है एक न्यूज रिपोर्टिंग चैनल वगैरह हो तो आप सबको ये सारी लाइट्स काम में आ जाएगी। कंप्लीट कंप्लीट, सो यू कैन सी वी हैव डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लाइट फॉर द क्रोमा स्टूडियो सेपरेट और द रियल सेट सेपरेट लाइट्स, दैट इज वन थिंग। Coming to the film lighting, uh-huh. we have n number of film lighting series, uh-huh. like name it like Lotus, we have 300 watt, 500 watt, 600, like that, we have different. This is meant for again the film series only. Okay. Okay. And this all completely is the app based which you have come now. Awesome. So that is one thing. Okay. And if you are coming to the, if you are comparing the other brand and our brand, one is about the, this is purely of Indian make, point one. Point two is the commercial also. So coming to the commercial, yes, we are supporting the end customer in the commercial also. That is one thing. Okay. Yeah. And pricing wise, it is way more reasonable than the other brand. Yes, yes. Because yes. ये एक Indian brand है, yeah. इनका जो pricing है, वो बाकी सारे brand से काफी जो है सस्ता हो जाता है. Yes. क्योंकि India to India, of course, जो एक export cost है, वो बच जाता है. That's correct. Right. That's और correct. और India की make in India है, तो काफी अच्छी बात है. कहने का ये है कि आपके जो brand, इनकी जो पूरी brand है, वो पूरी app based है. तो app से जो है, ये सारी lights आप control कर सकते हैं. Yes. आप देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी लाइट यहाँ पे रखी गई है, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब हम जो है थोड़ी छोटी मोटी लाइट्स की बात करते हैं, ये तो कितनी बड़ी है, राइट? तो आप देख पा रहे हो कि बहुत सारा ये फिल्म गेयर जो एक कंपनी है उनके थ्रू ये 10 वॉट्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो 10 किलोवाट्स, 20 to 24 किलोवाट्स ऐसी करके पावर बीम लाइट्स यहाँ पे उन्होंने बनाई है। एंड आप देख पा रहे हो कि यही सारी चीज़ें जब आपको जो है बहुत बड़े स्टूडियो में काम करना होता है, आप देखिए ऊपर यहाँ पे ये सारी लाइट्स यहाँ पे रखी गई है, बड़े बड़े स्टैंड्स यहाँ पे रखे गए हैं, क्योंकि लाइट इतनी हैवी है कि इतने में हो नहीं पाएगा, तो इसलिए बहुत बड़े बड़े स्टैंड्स रखे हैं, देखिए यहाँ पे। सो अभी जो है हम यहाँ पे आए हैं जिसमें ग्रास वैली का पूरा स्टॉल है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइव मॉडल्स वगैरह रखे हैं और सारे कैमराज को आप जो है यहाँ पर ही जो है एडिट वेडिट करने का रहता है ना। देखो ग्रास वैली जो है एक ब्रॉडकास्टिंग लाइव एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब जो आप ऑनलाइन एडिटिंग करते हो ना उसका है इनका काम ज़्यादातर है। आपको पता होगा EDS करके सॉफ्टवेयर, आई एम श्योर काफ़ी वीडियो एडिटर्स यूज़ करते हैं, और ये भी जो है इन्हीं का है, ग्रास वैली का ही जो है EDS है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पैंथर कंपनी के जो अलग अलग डॉली शॉट्स लेने के लिए जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं, काफ़ी हद तक जो है फिल्म इंडस्ट्री में लोग जिस उसके ऊपर बैठ के जो सारे डॉली शॉट्स लेते हैं उस सब के लिए जो है यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अभी जो है हम लोग 7 आर्टिसंस के स्टॉल पे आए हैं, यहाँ भी ये लोग अलग अलग सिने लेंसेज अभी बेच रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि जो प्राइजिंग है ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी 36,000, 28,000, 38,000 उस भाव में जो है आपको एक सिने लेंस मिल रहा है। 7 आर्टिसंस ये सारे ब्रांड्स का यही है कि आपको अगर कम बजट वाले जो है सिनेमा लेंसेज चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
अभी जो है हम लोग स्मॉल रिग के स्टॉल के ऊपर जा रहे हैं, देखो यहाँ पे सिग्मा का भी लेंसेज है, तो सिग्मा जो एक थर्ड पार्टी लेंस है, तो अगर आप कैनन यूजर हो और आपको जो है सिग्मा के लेंसेज उस पर अटैच करने हैं वो भी पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे जो है सारे सिनेमा जो सिग्मा के लेंसेज है वो सारे उन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे स्मॉल रिग है, तो स्मॉल रिग जो आप फिल्म मेकिंग करते हो और हैंडहेल्ड शूटिंग करते हो, तो हैंडहेल्ड शूटिंग के लिए जो इकोसिस्टम रहता है वो इन्होंने डेवलप किया है। हाय, तो जो आप स्मॉल रिग के सारे अटैचमेंट्स करते हो ये सारा हैंडहेल्ड ही होगा या किस हिसाब से काम होता है? सारे हैंडहेल्ड के लिए। एक थोड़ा सा दिखाओगे कैसे कैसे काम होगा? तो ये जो है स्मॉल रिग का केज है। अभी क्या होता है कि आपको आपका कैमरा यहाँ पे लगाना होता है, बैटरी के लिए यहाँ पे अलग से जो है इन्होंने इन एंड आउट के लिए दिया है, राइट, कैमरा बटन के लिए भी यहाँ पे दिया है। रीजन ये है यूज करने के लिए, आप इसके ऊपर मॉनिटर लगा सकते हो, ठीक है, आप जो है डायरेक्टली इसको ट्राईपॉड पे अटैच कर सकते हो या फिर और भी सारी एक्सेसरीज अगर आपको यहाँ पे लगानी है वो लगा सकते हो। अभी क्या होता है जैसे ही आप ये चीज यूज करते हो, इसके बाद जो आपको हैंडल शूटिंग है वो बहुत ही आसान हो जाता है। जो आप हाथों से शूट करते हो, क्या आप हाथों के ऊपर मॉनिटर लगा सकते हो? नहीं। काफी बार जो हम लोग हैंडल शूटिंग करना प्रेफर करते हैं, रिग्स इंसान इसलिए यूज करता है। आपके पास हर प्रकार की रिग्स है या सारे कैमराज के लिए? अच्छा, और इसका प्राइसिंग कौन से रेंज में बैठता है? 15,000 रुपए का ये रिग पड़ेगा। अच्छा, ओनली गेज इट कम फॉर यू 6 to 7। पर ये इतना महंगा क्यों है? मतलब इसका नॉर्मल लाइक ओनली दिस गेज इज कम फॉर यू 3 to 4,000। हां, अच्छा, सिर्फ केज 3-4,000 रुपए का है। ये कार्बन फाइबर है। अच्छा अच्छा, दिस मेटल इज डिफरेंट। ओके, दिस कम्स विद द हैंडल। ओके, दिस ओनली 6 4,500। तो ये 4,500 का है, पर इसका जो मेटल है वो अलग है और ये कार्बन फाइबर है, इसके लिए ये मेटल अलग है, इसके लिए ये थोड़ा महंगा है। तो अभी जो है हमारे साथ जितेंद्र जी है जो क्रोनस से है, एंड ये जो है हमें टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में समझाने वाले हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो ब्रॉडकास्ट लेवल पे काम आ सकते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं और इसके बारे में हमें आज समझाने भी वाले हैं। सो प्लीज़ बताइए कि किस हिसाब से आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं, किस कौन से नए लेटेस्ट लॉन्चेस है जो एक ब्रॉडकास्ट लेवल इंसान को बहुत काम में आ सकता है? तो अभी हम आपको बताते हैं बेसिकली क्रोनस के बारे में, जो एक इट्स अ टेलीप्रॉम्प्टर कंपनी। और टेलीप्रॉम्प्टर मीन्स इफ यू टॉक अबाउट टेलीप्रॉम्प्टर, हमारे पास सब कुछ है। मेरे पास एक बेसिक टेलीप्रॉम्प्टर जो टैबलेट से शुरू होता है लेके 21 इंच तक के सारे टेलीप्रॉम्प्टर्स हैं, ठीक है। अगर मैं शुरू करता हूँ जो हमारा मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है विच इज क्रोनस पुंटा फुल सीधा, सो ये अभी 15 और 17 इंच के दो साइजेस में आता है। तो 15 इंच बेसिकली जो बेसिक यूट्यूबर्स होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है मे बी और दे वॉन्ट टू स्टार्ट इट, तो 15 इंच से शुरू कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली दे कैन ग्रो यू नो फॉरवर्ड फॉर द अपग्रेडेड मॉडल्स। उसके अलावा 17 इंचेस पुंटा मेरे पास है, तो आपको लगता है कि अगर आपके पास इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल वन थोड़ा अफोर्ड भी कर सकते हैं एंड यू नीड समथिंग बेटर, सो हमारे पास एक क्रोनस प्रो सॉफ्टवेयर के साथ ये प्रो सीरीज टेलीप्रॉम्प्टर्स है। सो दिस इज बेसिकली डेल्टा प्रॉम 15 विच इज़ अ डेल्टा प्रॉम सीरीज। डेल्टा प्रॉम सीरीज इज अ प्रोफेशनल सीरीज विच इज एक्चुअली यूज इन न्यूज चैनल्स। ओके, सो इट हैज़ ऑल द फीचर्स। अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉम्प्टिंग है वो सॉफ्टवेयर पे नहीं मॉनिटर के ऊपर होती है, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी टू यूज, इट विल सी यू कैन वी कैन यूज द सेम सॉफ्टवेयर ऑन ऑल द यू नो टेलीप्रॉम्प्टर्स, सो देयर इज नो डिफरेंशिएशन। ओके, एंड इफ यू हैव द पीटीजेड कैमरा देन वी हैव द स्पेशलाइज्ड टेलीप्रॉम्प्टर्स एज़ वेल। अच्छा, सो व्हिच इज बेसिकली दिस पीटीजेड कैमरा। ओके, यू रिक्वायर अ हुड इन दिस, राइट? यू रिक्वायर अ हुड इन दिस, सो दिस इज बेसिकली जस्ट टू शो शोकेस। सो ये जो पीटीजेड कैमरास है वो यूजुअली जो है न्यूज़ रिपोर्टर्स लाइव इवेंट्स में बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, और आपको जो है जो टेलीवाइड वगैरह है वो वहां पे जाके नहीं करना है, वो जो है आपको एक जगह पे बैठ के उसका मिक्सर ऑपरेट करना है, इसीलिए ये सारे कैमरास यूज होते हैं। अभी जो है अगर आप जो है उसको यूज करना चाहते हो तो पर्टिकुलरली ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी मॉनिटर बनाया हुआ है, इसमें जो है आप क्रोनस का ऐप यूज कर सकते हो, उनका सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, स्क्रिप्ट वहाँ पे लिख सकते हो और जो है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा। जैसे ही यहाँ पर आता है इसके ऊपर हुड लग जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट, ऐसे करके जो है आप जो भी स्क्रिप्ट चाहो वो बोल सकते हो। जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स है जिसका बजट एकदम ही साकड़ा है, थोड़ा कम है, वो जो है उनका 15 इंचेस का टेलीप्रॉम्प्टर खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है और आप अच्छा खासा प्रोफेशनल काम करना चाहते हो तो 17 इंचेस में जा सकते हो, पीटीजेड कैमरा का माउंट भी खरीद सकते हो। yes.
सो अभी तक जो है हम लोग ने क्रोनस की बात की, ठीक है, अभी जो है उसके भी और एक स्टेप आगे जो इनकी ब्रांड है 40 इंच की बात करेंगे। हमारे साथ ओसामा जी हैं और ये जो है हमें इंट्रोड्यूस करेंगे वो सारे टेलीप्रॉम्प्टर्स के साथ जो यहाँ पे अवेलेबल है और वो उसमें कौन सा डिफरेंशिएटिंग बात है, कौन सी चीज़ है जो दूसरे सारे टेलीप्रॉम्प्टर से इसमें बेहतर है उसके बारे में जानेंगे। So sir, please explain us that what is a differentiator in your products as a teleprompter and what can a person expect on a broadcast level from your brand? Okay, let me speak about the brand first. It is Turkish made. Okay. Since it is Turkish made, it got CE certificate of quality, the European certificates of quality. It got ROHS. And what makes us different is that we are manufacturing from industrial materials. Okay. For example, this is aluminium. Uh-huh. All our products are aluminium with electrostatic coating, very high quality. Okay. Also, this panel is industrial panel, up to 50,000 operational hour. Okay. We are also using high quality glass. Mm-hmm. It's called beam splitter glass. Oh, okay. The high end teleprompter, the highest end one, and the smallest mobile phone one, we are using the same glass. Same. So what difference will it make if you have such kind of glass? Actually, yes, there is huge difference. It is 70-30, transparency and reflection. And the coating, it has a special coating. Okay. So the visibility and the clarity is way better. Yes, way better, way better. Okay. We are developing the software by ourselves, okay. Very professional software that support the most common newsroom controlling system protocols, such as FTP, MOS. We are manufacturing the newest technology now, which is it called NDI technology. What does this do? It is sharing signal through the network. This is the future. Actually, all manufacturers are trying to use NDI because this cable, this Ethernet cable, can carry up to 220 volt electricity. Mm-hmm. It can use also data for the same cable, can share data and signal, video signal. So all of this was only one cable. So the future will, this is the future. Yes, if the camera can show, it is only NDI. This is the highest end teleprompter we are producing. All necessary inputs and outputs are available, but it's now working via NDI, Ethernet. Oh, okay. This is broadcasting teleprompter. Gotcha. The camera can be 20 kilograms or more, broadcasting camera. Okay. You can use one power source with this teleprompter. So when you're using such a heavy camera outdoor. Yes, heavy broadcasting camera. That is differentiated with this product. Yes. Right? So when you're using such signals, what difference will it make? Any which ways the person has to speak, whatever is being shown out here. When you're connecting to this cable, what difference will it make for the viewer? Okay. For the viewer, we are offering some solutions for the anchors, such as the RF controller. It is fully remote controlling device. 40,000 meter square is the range. Achha. Away from the transmitter. Achha. And the receiver. So अभी जो है इनके पास एक बहुत ही बेहतरीन जो है टेलीप्रॉम्प्टर है, इसके ऊपर जो है 20 किलो तक का जो कैमरा है वो आप लगा सकते हो। सो कहने का ये है कि आप एक 20 किलो का कैमरा इसके आगे लगा सकते हो। आप देख सकते हो कि इसकी जो क्वालिटी है जो ग्लास की वो बहुत ही अच्छी है। तो आप एक हाई क्वालिटी ग्लास एक्सपेक्ट कर रहे हो और बहुत सारी चीजें आप इसमें से करोगे। Yes, this is the controller that I'm talking about. ये एक कंट्रोलर है। अगर आप ये वायर लगाते हो इसके वजह से आप 500 मीटर 500 मीटर्स 40 meters square away from the transmitter. 40 square feet. Feet. Meters. 40 meters square. 40 meters का जो है यहाँ से range expect कर सकते हो, तो काफी अगर आप दूर हो, so you can use this remote. आप ये remote से जो है पूरा का पूरा जो है आप control कर पाओगे. ये इसका differentiator. Exactly. Neither if you wanna scroll between subjects, we call it headlines. Okay. Like or, a PPT. Yes. Like a PPT. Or inside of every headline, imagine like this. You are telling now the sports, I'm telling the weather. Huh. You read your new. Uh-huh. Once you finish, you next news, my turn. Okay. So all of this because of this software called 4Prompt software. Four? Four prompt.
the name of it, software. Yes. Okay. It's professional teleprompting software. Okay. So, this is a professional teleprompting software. जिसमें जो है अगर आप सपोज कि न्यूज रिपोर्टर हो, चार प्रकार के न्यूज जो आपको बताने हैं, तो यहाँ पे जो है पीपीटी के हिसाब से जो है आप वन बाय वन चेंज कर सकते हो और एक स्लाइड के अंदर भी ऊपर नीचे कर सकते हो. ये उसमें एक डिफरेंशिएटर दिया गया है. यस, नाउ वी फिनिश टॉकिंग अबाउट एरा सीरियस एरा आईपी. वी हैव चीपर सॉल्यूशन फॉर ब्रॉडकास्टिंग विदाउट एनडीआई बिकॉज़ इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, व्हिच इज दिस वन. इट इज एरा सीरियस आल्सो, द नेम इज एरा बट एरा लाइट. ओके. It is fully customizable. I mean, if you don't want SDI, we can make it only HDI and composite and VGA as a standard. SDI is optional and no NDI. For NDI, we have this one in this series. Later, we are going to handed camera, handed ENG camera prompters, which is this one. It's called the Pro X series. Okay. It can carry up to 8 kilograms ENG handed cameras. This is the 15 inch, and why is it kept? This is timer clock. Unfortunately, it's how not long working. Is the, how long is the person speaking? That yes, can be it shows how many and minutes also remaining. How the person is looking that they can see. Yes. Right. This. So, अगर आप जो है teleprompter के सामने बैठे हो और आपको देखना है कि आप कैसे दिखते हो, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे आपको पीछे कैमरा के पीछे जाके नहीं देखना कि आप कैसे दिखते हो. आप directly यहाँ से देख सकते हो और जितना बोलना है. कितना बोलना है उसका जो टाइमर है आपने यहाँ पे सेट कर चुका है, तो आपने जो वो काम है जो आपको स्पीच देनी है वो बड़ी प्रिसाइज हो जाती है. यस, आल्सो द यूज ऑफ दिस टैलेंट मॉनिटर इज समटाइम्स दे आर यूजिंग इन स्टूडियोस ऑगमेंटेड रियलिटी. आई शुड इंटरैक्ट विद वर्चुअल थिंग्स अराउंड मी एज अ स्पीकर, बट आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग. सो टू मेक श्योर आई सी हियर, आई सी द फाइनल पिक्चर. ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जो है आपके पीछे क्रोमा है, ठीक है, और आपका जो है पीछे exactly. पूरा बैकग्राउंड चेंज करके जो है एडिट करके वो एडिटर एडिट जो है वो पूरा आपका फाइनल देख रहा है. आपको नहीं पता कि वो क्या एडिट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है उसका फाइनल दिख जाता है, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आगे आगे पीछे क्या आ रहा है, तो आप ज्यादा नोटिस में रहते हो. यस, आल्सो वी हैव पीटीसी टेलीप्रॉम्प्टर. हां, वेरी प्रोफेशनल एनडीआई पीटीसी टेलीप्रॉम्प्टर विद वाइड एंगल शूटिंग फीचर्स with anti-reflection features, but since it is new product, it will be available starting from next week in the Indian market. कहने का ये है कि ये कहना चाहते हैं कि वो PTZ cameras भी launch कर रहे हैं और उसमें जो है reflection जो आता है, जब आप एक teleprompter देखते हो कि भाई बहुत सारी lights वैसे भी लगाई गई रहती है, तो ये जो आप इनका स्क्रीन है उस पर रिफ्लेक्शन कंट्रोल हो जाएगा. Exactly. और जो है आप PTZ cameras, जैसे मैंने आपको आज इस ब्लॉग में समझाया था, वो सारे जो है ब्रॉडकास्ट लेवल पे जो कैमराज यूज होते हैं एक सेटअप के वहाँ पे, वो सारे कैमराज आप इसके ऊपर लगा के काम कर सकते हैं. Also, we are making crane teleprompter. Crane teleprompter on Jeep arm. There is Jimmy Jeep, you know. Uh-huh. It got arm. Uh-huh. It can be on the arm. It should be this one. Jimmy Jeep is simply roaming around. And this, this is the arm Achha. Of the Jeep. Oh. It should be on the arm. So constantly if the person is on rig, yes. Still the अच्छा, so it's not अभी तक जो है हम लोग ये देखते थे कि आप जो है एक जगह पे बैठ के बोलते हो और वो जो टेलीप्रॉम्प्टर है वो भी सिर्फ ट्राईपॉड पे लगाया जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं होगा. अगर आप जो है चल फिर के कुछ बोलना चाहते हो, जैसे अभी मैं चल फिर के बोल रही हूँ, अपने मन से बोल रही हूँ, राइट, अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए सामने, तो वो भी टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो रिग के ऊपर लग के आप रीड कर सकते हो. तो इससे क्या होता है कि आप जो है गिम्बल के ऊपर टेलीप्रॉम्प्टर लगा के घूम रहे हो. यस, एग्जैक्टली. बट फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट वेयर इट्स नॉट दिस बिग, समटाइम्स व्हेन यू आर ब्लॉगिंग और समटाइम्स फॉर पीपल हु आर शूटिंग एट लोकेशंस, इवन फॉर अ न्यूज़ रिपोर्टर शूटिंग एट अ वेरी हैंडी लोकेशन, यू हैव टू गो वेरी लाइट, यू कांट यूज सच अ बिग कैमरा एट सो मेनी सिचुएशंस, देन इट हैज टू बी दैट स्मॉल. यस, इज इवन दैट पॉसिबल? इट कैन यूज एनी टाइप ऑफ कैमरा, स्मॉल साइज टेलीप्रॉम्प्टर्स विल बी अवेलेबल. साइज ऑफ द टेलीप्रॉम्प्टर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इट डजंट मैटर बिकॉज़ यू कैन ज़ूम इन द फोन. You can, even if you want all of this monitor show word by word, it can happen. You can control the scale, the zoom, the font size, no worries. I agree with you. I mean the software can, it cannot be more than 15 inch, it will be heavy. We need it to be light as possible. Huh. And we need it to be aerodynamic as possible. Huh. So because of the moving, you know, this is also small. It's quite small. Yes. How many 15 inches? Inch. 15 inches. 15 inch, yes. Okay. And we have
solutions for DSLR cameras. You can use even teleprompter with two mobile phones, one for prompting, another one for shooting. Mm-hmm. All of them are available, but unfortunately we didn't get them. जिनको भी जो है ये सारे टेलीप्रॉम्प्टर्स जो इनकी नई रेंज है उसके बारे में जानना है वो आपकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. Yes. Right? We are existing in 90 countries around the world. Try the demo. If you like it, you can purchase the license individually. Mm-hmm. Can happen. Yes. Even if you want to use another brand, you have already teleprompter. You don't have to buy hardware for trying the software. You can use it with any another teleprompter. ठीक है, इतने यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी जिमी जिब्स है. ठीक है, तो जो आप बड़ी बड़ी फिल्म सेट्स में देखते हो ना सारे जिमी जिब्स, वो सब यहाँ पे लगाए हुआ है. देखो वहाँ पे डॉली जूम शॉट्स लेने के लिए भी यहाँ पे सारी चीज़ें लगाई गई है. सो अभी जो है हम लोग सोनी के स्टॉल पे आए हैं. आपको पता ही होगा कि सोनी भी जो है बहुत ही लीडिंग कैमरा ब्रांड है, जहाँ पे वो जो है अलग अलग जो सिनेमा लेवल के कैमराज होते हैं वो लोग लॉन्च करते रहते हैं. अभी जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे उनके पास कौन सी कैटेगरीज हैं. सो अभी जो है हम लोग ने सोनी में वेनिस का कैमरा देखा था, उसके बाद बुरानो करके जो है एक नई सीरीज आई है सोनी में. अभी उसमें क्या होता है कि आप जो वेनिस में जो सारे सिनेमा चीज़ें देखते थे वो सारी इसमें है. तो ओनली डिफरेंशिएटर इज कि इसमें इन बिल्ट स्टेबलाइजेशन है, राइट. एट द सेम टाइम उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा लाइट वेट भी है, राइट. यहाँ पर आप देख सकते हो सारे स्पेक्स. इसमें जो है आप बहुत सारे जो ई माउंट है या फिर पी एल माउंट है ये सारा कुछ जो है कनेक्ट कर सकते हैं. सो अभी जो है यहाँ पे जो है सारे जो कैम कॉर्डर्स हैं वो भी है, राइट. तो जो प्रोफेशनल कैमरा शूटिंग करनी है वो सारी अवेलेबल है. साथ ही साथ जो है अल्फा 5 वगैरह सारे कैमराज यहाँ पे अवेलेबल है, और जो सारे लेंसेज हैं वो भी उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं. सो अभी जो है हम लोग यहाँ पे रेड का कैमरा देख रहे हैं. आप देखिए यहाँ पे आपको रेड के कैमराज भी टच एंड फील करने मिलेंगे, जो उनके लेटेस्ट इक्विपमेंट से वो आप देख पाओगे. आप देखिए इसका इंटरफेस, इस पर अभी 8K रिकॉर्डिंग है. और रेड जो है बड़े बड़े फिल्म्स में, बड़े बड़े जो टेलीविजन शोज है उसमें काफ़ी लोग यूज़ करते हैं. देखिए यहाँ पे शटर एंगल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन की गई है. सो अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो कैमरा है वो यहाँ पे ही ऑपरेट हो रहा है, मतलब आपको जिमी जिब वगैरह की ज़रूरत नहीं है. ये देखो कितना बड़ा सेटअप है. आप जो है यहाँ से कनेक्ट होके वो वहाँ पे जा रहा है, इनबिल्ट ही है, और यहाँ से उसका पूरा ऑपरेशन वो यहाँ से कर रहा है. देखो देखिए ये जो पूरा कैमरा है वो 100 पूरा का पूरा, आप वापस रोटेट करिए ना उसको, तो पूरा का पूरा देखो कम्प्लीटली रोटेशन हो रहा है. उस टाइप का सीन और शॉट रहता है वो आप इसमें से रिकॉर्ड कर सकते हो. ये जो है ये अभी के लिए लॉक किया है, पर ये यहाँ पे जो है ये भी पूरा मूव होगा. यहाँ पे जो है ये भी पूरा ऐसे से ऐसे मूव होगा, और वो वाला कैमरा भी मूव होगा. तो एक ऐसा एंगल नहीं रहता जो यहाँ से वहाँ कैमरा जाएगा, ऐसे एंगल लेगा वो लेगा, हमको लगता है कैसे ले रहा है. वो सब कुछ जो है वो यहाँ से ऑपरेट करके काम कर रहा है. देखो थोड़ा और जानते हैं इनके वहाँ से. So can you also shift this? I mean, will you be able? Oh, okay. देखिए कैसे हो रहा है यहाँ पे. You have to know it's you have to contact it through telescopic crane. Okay. Yeah, it's for telescopic crane actually. So there are different attachments also from here. Like you do get different attachments. So this one is the stable one. Like can you attach? Can you detach and attach other things as well? You can attach it to movie bird, to techno crane, to scorpion. Oh. Yeah, so we have different adapters. Attach it. You can attach to a techno crane also. Yes. सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आज जो है हम लोग ने बहुत सारा आपको ऐसा ज्ञान दिया होगा जो सारा सिनेमा लेवल का, ब्रॉडकास्ट लेवल का रहेगा. आई एम श्योर हमको लगेगा यार ये तो बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गया, ठीक है, पर आपको सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंडस्ट्री बढ़ किस तरफ रही है. करोड़ों रुपये के कैमराज, इतने सारा इन्वेस्टमेंट, इतनी सारी चीज़ें हैं. आप सोचिए ऐसे सारे एग्जीबिशन में ना आना हमारी इंडस्ट्री की गलती है. हमें आना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए. हम कितने सारे लोगों को यहाँ पे मिलते भी हैं, राइट. आई होप कि आप ब्रॉडकास्ट इंडिया शो में आ पाए 8th, 9th and 10th of October 2023 यहाँ पे मुंबई जियो में हो रहा है. एंड अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा, हम लोग ने ऑलमोस्ट 70% ऑफ देम कवर किए हैं स्टॉल्स. बहुत लंबा एग्जीबिशन है, सो हो सके उतना हम लोग ने ट्राई किया है कवर करने का.
फिर आप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कवर कर सकते हो. थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून.